हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में उसके कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। जो मैग्रा हिल की जो बुक आती है मध्य प्रदेश वास्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह की एक बुक आती है उसमें जो चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले हमने चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे उसमें कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं जो पुराने पेपर में आए हुए हैं या आते रहते हैं और जो मेंस की परीक्षा में भी काम आएगा एमपीपीएससी के वो दिए हुए हैं तो वो बुक डिस्कस करेंगे। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और आपको हमारी ये सीरीज अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले समय में इससे भी अच्छे लेक्चर आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। टाटा मैग्रा हिल की जो बुक आती है उससे चैप्टर नंबर 2 बुक यानी भूगर्भिक संरचना। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं देखिए, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो बहुत ही आसान है, एमपीपीएससी में भी आया हुआ है, पटवारी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो इसका बी आंसर सही होएगा, गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है। इसकी व्याख्या भी दी हुई है जो मेंस में काम आती है तो उसको भी अपन शॉर्टकट में देखते हैं। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का विस्तार उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण यानी कन्वर्जेंस से हुआ है। तो उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर गोंडवाना लैंड का जो भाग है खसका था और जाके मिल गया था तो उससे हुआ करके बताया गया है। गोंडवाना लैंड का विस्तार उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण कन्वर्जेंस से हुआ है जो वर्तमान में दक्षिण भारत के प्रायद्वीप भाग के रूप में विस्तृत है। दक्षिणी प्रायद्वीपी पठार के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। देखो, दक्षिणी प्रायद्वीपी जो पठार है भारत का उसके उत्तर में मध्य प्रदेश स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध, ये बुद्ध छप गया, ये रुद्ध है स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड राज्य है। का मतलब ये होता है इसकी सीमा ना ही कोई समुद्र तट से छूती है, ना ही कोई समुद्र से छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, उसे कहेंगे लैंड लॉक स्टेट। तो इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड राज्य है क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमा ना ही समुद्र तट व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, इस कारण ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, याद रखना है। टिप्पणी लिखी हुई है कुछ इंपॉर्टेंट जो मेंस में काम आती है, लेकिन अपन यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना गवाए हुए आप इसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। गोंडवाना लैंड प्राचीन वृद्ध महाद्वीपी पौंजिया का दक्षिणी भाग है। ये पौंजिया जो महाद्वीप घूम रहे थे और ये ऊपर जाके टकराई, जो गोंडवाना लैंड जो भाग था ये ऊपर जाके अंकारा लैंड नामक चट्टान से टकराई, महाद्वीप से टकराई और वहीं हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसे भी, तो वो जो उस टाइम पे इसे कहते थे पौंजिया कहा जाता था, जो गोंडवाना लैंड को पौंजिया कहा जाता था। तो गोंडवाना लैंड प्राचीन वह महाद्वीप पौंजिया का दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग को लारेसिया कहा जाता था, ऊपर का जो भाग था उसे लारेसिया कहा जाता था। गोंडवाना लैंड का नाम एडुअर्ड सुएस ने दिया था, ये वैज्ञानिक का नाम है एडुअर्ड सुएस ने भारत में गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। क्वेश्चन आ सकता है गोंडवाना भूभाग का नाम किसने दिया था, गोंडवाना लैंड का नाम किसने दिया था, एडुअर्ड सुएस ने भारत में गोंडवाना क्षेत्र का नाम रखा था। गोंडवाना भूभाग के आज से समस्त दक्षिणी गोलार्ध के अलावा भारतीय उप महाद्वीपी और अरब प्रायद्वीप को वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है जो उद्गम स्थल था। तो ये कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप इसको देख सकते हैं। गोंडवाना का नामकरण नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित प्राचीन गोंड राज्य के आधार पर किया गया था। गोंडवाना का नामकरण नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित प्राचीन गोंड राज्य के नाम पर रखा गया था, तो ये याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वन डे एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा आपको याली बुक। तो देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लोअर गोंडवाना सेल को किस नाम से जाना जाता है?
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये यहां पर गलत छप गया है, ये आएगा इसका आंसर डी, डी आंसर सही है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स डी नहीं है, इसका बी आंसर सही होगा, ये सही है बिल्कुल बी, बी तलचीर, 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 इसे तालचीर भी कहेंगे, तालचीर। तो देखिए बी आंसर सही होगा, लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। लोअर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना क्यों कह रहा हूं मैं यहां पे, गोंडवाना समूह को भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जो गोंडवाना लैंड है उसे भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, एक सबसे नीचे वाला है जिसे लोअर गोंडवाना समूह कहते हैं, जो सबसे नीचे है उसको लोअर गोंडवाना समूह कहते हैं, बीच वाले को मध्य गोंडवाना समूह कहते हैं, और सबसे ऊपर वाले को अपर गोंडवाना समूह कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है लोअर गोंडवाने की, सबसे नीचे की। लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है, सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, तालचीर। तो ये याद रख लेना है, पेपर में आता है, लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है, या मुख्य रूप से सोहन महानदी घाटी में सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलते हैं, याद रखना है। उसके बाद यहाँ से देखने लायक कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बताया था गोंडवाना समूह को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, लोअर, लोअर गोंडवाना समूह, लोअर गोंडवाना समूह की चट्टान सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तृत है, जो सतपुड़ा का पठार है, सतपुड़ा का क्षेत्र है, वहां विस्तृत है। मध्य प्रदेश में मोहपानी और पेज घाटी कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना समूह के अंतर्गत आते हैं। ये मोहपानी क्षेत्र का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है फ्रेंड्स मोहपानी, और पेज घाटी तो आपने सुना ही होगा, छिंदवाड़ा में पड़ती है पेज घाटी, है ना, तो ये मोहपानी भी उधर ही साइड है। तो मोहपानी और पेज घाटी कोयला क्षेत्र के, यानी कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना समूह के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से, और क्या देखिए, मध्य गोंडवाना समूह, मध्य गोंडवाना सेल समूह पेंच घाटी देवना पचमणी विस्तृत है, ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपर गोंडवाना, सबसे ऊपर का अपर गोंडवाना समूह के चट्टान बघेलखंड सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तृत है, इस चट्टानों को कोयला चूना पत्थर आदि खनिज पाए जाते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में इसे चौगान तथा अन्य क्षेत्रों में इसे जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप फोर में 2016 में, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे इसने बी लिखा है, लेकिन ये बी नहीं है, इसका आंसर ये डी आएगा, उपयुक्त सभी। देखिए मध्य प्रदेश में आर्कियन की चट्टान को ही अध महाकल्प कहते हैं फ्रेंड्स, अध महाकल्प की चट्टान उसे ही कहते हैं, याद रखना है। मध्य प्रदेश में आर्कियन, अध महाकल्प, धारवाड़ की चट्टान भी मध्य प्रदेश में मिलती है, कड़प्पा विंध्य गोंडवाना क्रम की चट्टान के निक्षेप पाए जाते हैं, तथा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का निर्माण आर्कियन काल से लेकर क्वार्टनरी काल तक की चट्टान से हुआ है। मध्य प्रदेश में आर्कियन, विध्यन एवं डक्कन ट्रेप की चट्टान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो इसका आंसर डी सही होएगा। इसका मतलब मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो आर्कियन की चट्टान भी है, विंध्यन की चट्टान भी है, और गोंडवाना चट्टान भी है, उपयुक्त सबू। इसका आंसर होएगा डी, आंसर आपको टिक करना है, उसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टान का विस्तार किस भूभाग में है, आर्कियन चट्टान का किस भाग में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर डी होएगा, इसका मतलब सभी भागों में पाया जाता है, उपयुक्त सभी। उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है, तो ये आपको पता होना आठ दिशा होती है, तो उत्तर पूरा पश्चिम, उत्तर और ये पश्चिम यहां हो गया, उत्तर पश्चिम भाग में भी है, उत्तरी भाग में तो है छह, उत्तरी भाग में और पूर्वी भाग में भी है, तो ये सभी होएगा। लेकिन याद रखना खासकर और ज्यादातर इस चट्टान का जो है कहां ज्यादा पाई जाती है, तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। आर्कियन अध महाकल्प की चट्टान में सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है ये, आर्कियन अध महाकल्प की चट्टान है, सर्वाधिक प्राचीन चट्टान मानी जाती है, जिसके कारण इसे पौत्रक और प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ सकता है प्राथमिक चट्टान कौन सी, आर्कियन युग की चट्टान। आर्कियन चट्टान का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पश्चिम, देखो उत्तरी भाग में तो है, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में पाया जाता है, उत्तर में भी है, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके संदर्भ में सर्वप्रथम जे डी डाना ने परिचय करवाया था, तो अपने किसने बताया था ये सब, ऐसा करके ये चट्टान यहां पे है करके किसने बताया,
J.D. डाना ने परिचय करवाया था, तो ये भी नाम आप याद रख सकते हैं। ये इसकी कुछ व्याख्या दी हुई है जो अपने काम की नहीं है, अपन वनडे एग्जाम के हिसाब से फोकस करते हैं और आप पोस्ट करके इसे पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पांचवें नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में धारवाल क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत जबरदस्त। ये इससे समझना है आपको, यहां क्या लिखा हुआ है, धारवाड़ की चट्टान कहाँ है करके क्वेश्चन आया है, सर्वाधिक विस्तार किस जिले में, तो इसका आंसर ए सही होएगा, बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाई जाती है ये चट्टान जिसका नाम है धारवाड़ की चट्टान की शिल्प यानी की छिल्पी सीरीज से मैग्नीज निकलता है फ्रेंड्स। इसलिए देखना, आपने देखा होगा बालाघाट में मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान है और छिंदवाड़ा में भी मैग्नीज निकलता है ना। भरवेली की खदान बालाघाट में मैग्नीज की एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खुले मुंह की खदान है। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी, देखो ए आंसर, धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन चट्टान के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म की अनुपस्थिति होती है यानी नहीं होते जीवाश्म, इसमें ग्रेनाइट नीस स्लेट ये कुछ खनिज के नाम दिए हुए जो पाए जाते हैं करके बताया गया है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार राज्य दक्षिण पूर्व में, ये देखो कभी जिले का नाम नहीं आया तो ये आ सकता है, कभी जिले का नाम नहीं पूछा कहाँ विस्तार है तो दक्षिण पूर्व दे सकता है, तो दक्षिण पूर्व में ही बालाघाट छिंदवाड़ा आता है तो दक्षिण पूर्व याद रखना है। सर्वाधिक विस्तार कभी पूछा मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो ये दक्षिण पूर्व भाग में बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बालाघाट में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों को आर्थिक दृष्टि से यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। देश में उपलब्ध लगभग सारी धातुएं इन्हीं चट्टान की देन है। ये कौन सी धातु निकली है बताया गया है, आगे देखते हैं यहाँ से काम का क्या है। देखो मैग्नीज निकलता है धारवाड़ चट्टान से, मैग्नीज निकलता है धारवाड़ की जो चट्टान है वहां से मैग्नीज निकलता है। कभी पूछा कौन सी इससे निकलता है, छिल्पी सेल समूह से निकलता है या छिल्पी क्रम से निकलता है या छिल्पी सीरीज से निकलता है, तो याद रखना मैग्नीज। धारवाड़ सेल समूह की चट्टान के शिल्पी छिल्पी क्रम से निकलता है, याद रखना है मैग्नीज। मैग्नीज की बात कर लेते हैं अपन, मैग्नीज तो मैग्नीज याद रखना है यहाँ पे, यहाँ पे तांबा भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बालाघाट में धारवाड़ से तांबा भी निकलता है, तांबा मलाजखंड की खदान, मलाजखंड की खदान कहाँ है, बालाघाट में मलाजखंड तहसील में, तो मलाजखंड की खदान जो है तांबे से संबंधित है और भरवेली खदान जो है भरवेली के पास में है यानी भरवेली में है, बालाघाट से 5 किलोमीटर दूर है भरवेली, तो वो मैग्नीज से संबंधित है। भरवेली खदान मैग्नीज से संबंधित है और मलाजखंड की खदान तांबे से संबंधित है, दो इंपॉर्टेंट खदानें हैं यहाँ पे बालाघाट जिले में, याद रखना है। तो ये अलग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में छिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती, मैंने अभी बताया था आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में छिल्पी क्रम से मैग्नीज निकलता है, धारवाड़ की चट्टान छिल्पी क्रम से मैग्नीज निकलता है और मैग्नीज निकलता है बालाघाट में भरवेली की खदान में। तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में छिल्पी क्रम का विस्तार बालाघाट छिंदवाड़ा जबलपुर जिले में पाया जाता है, इसमें मैग्नीज निकलता है, उसके बाद ये कॉपर भी निकला है बताया क्या क्या निकलता है। उसके बाद आगे चलते हैं, बालाघाट जिले की छिल्पी क्रम की चट्टान बैहरनीस ये याद रखना है बस। तो मैग्नीज की खदान जो भरवेली में है बालाघाट के, बालाघाट की जिले की भरवेली की खदान मैग्नीज से संबंधित है, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है भरवेली की खदान, खुले मुंह की खदान भी है वो, तो समझ में आ गया होगा बालाघाट में भरवेली की खदान। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में मलाजखंड रीप पाई जाती है? तो मैंने अब भी बताया था आपको मलाजखंड की खदान तांबे से संबंधित है, तांबा निकलता है, एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है बालाघाट में मलाजखंड की खदान, तांबे की खदान है मलाजखंड की खदान बालाघाट जिले में आता है, तो याद रखना है वही चीज ये लिखा है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी सही होएगा। और काय संबंधित है पूछा मलाजखंड की खदान तांबे से, तो यहां से देखो क्या है लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ता हूं मैं सीधे काम की चीज, चलते हैं काम का क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो इसमें सी छपा हुआ है, सी नहीं है, बी आंसर इसका आएगा सही। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो ये है अध महाकल्प की चट्टान, इसे ही तो आर्कियन की चट्टान कहा जाता है, मैंने बताया था आर्कियन की चट्टान अध महाकल्प की चट्टान प्राथमिक चट्टान कहते हैं, वही है।
तो यही लिखा है, देखो अध महाकल्प आर्कियन की चट्टान पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टान है, प्रारंभिक चट्टान के जीवाश्म में अवशेष नहीं मिलते हैं। तो यानी याद रखना इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते फ्रेंड्स, क्योंकि तत्कालीन समय में पृथ्वी पर जीवन का विस्तार विकास ही नहीं हुआ था, उस टाइम पर जीवन का विकास ही नहीं हुआ था, यह बताया गया है। तो आप इसको पढ़ लेना, इसका आंसर क्या सही होएगा, बी, ये बुक में गलत छप गया है, सी छपा है, बी सही होएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 90 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा है। सत्य मत समझ लेना अपन जल्दी जल्दी में, ऐसी गड़बड़ करते हैं कई बार, तो ये असत्य बोला है। तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बोला है। तो कथन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। छिल्पी क्रम की चट्टान में बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज और तम्र यानी तांबा खनिज की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ना बालाघाट से निकलता है तांबा और मैग्नीज दोनों निकलता है, और धारवाड़ सेल समूह की छिल्पी सीरीज से निकलता है मैग्नीज, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला सही है। दूसरा चलते हैं, साकोली क्रम की चट्टान में जबलपुर और कटनी जिले में अभ्रक व संगमरमर की प्राप्ति होती है, तो ये भी सही है। साकोली सीरीज से एक बात याद रखना, ग्रेफाइट निकलता है, कभी पूछा जाएगा तो ग्रेफाइट निकलता है, ग्रेफाइट स्पेशल बैतूल में निकलता है, लेकिन बैतूल को ग्रेफाइट जिला कहते हैं, लेकिन साकोली सीरीज की अगर बात की जाए तो साकोली सीरीज से याद रखना ग्रेफाइट भी निकलता है, कभी पूछा जा सकता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान के साकोली क्रम से ग्रेफाइट निकलता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। साकोली क्रम की चट्टान जबलपुर कटनी जिले में अभ्रक और संगमरमर की प्राप्ति होती है, तो अभ्रक बालाघाट में भी निकलता है, जबलपुर में भी निकलता है, तो अभ्रक और संगमरमर की प्राप्ति होती, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाला भी सही है। तीसरा चलते हैं, सौसर क्रम की चट्टान का विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक एक पट्टी के रूप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सौसर सीरीज याद रखना है, सौसर सीरीज से कोयला निकलता है फ्रेंड्स, कोयला कहां निकलता है, कोयला मध्य प्रदेश के गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है, एक चीज तो आप याद रखिए, गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है, गोंडवाना सेल समूह की सौसर सीरीज में पाया जाता है, सौसर सीरीज या सौसर क्रम में पाया जाता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। धारवाल के सौसर क्रम में कौन सा निकलता है, तो सौसर में कोयला, ये याद रख लेना है। तीसरा भी सही है, ये चौथा वाला सही नहीं है, अब चौथा एक ही बचा है तो इसको पढ़ लेते हैं। साकोली व सौसर क्रम की चट्टान से हीरा और बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, तो नहीं दादा गलत है, ये जो हीरा है ये हीरा कड़प्पा सेल समूह से निकलता है, कड़प्पा सेल समूह के बिजावर सीरीज से निकलता है हीरा, और बॉक्साइट तो आप जानते ही हैं एल्यूमिनियम का अयस्क है ये, तो ये नहीं है। साकोली सीरीज मैंने बता दिया, साकोली सीरीज से क्या निकलता है, ग्रेफाइट, ये याद रखना है, और सौसर सीरीज से तो बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले, सौसर सीरीज से कोयला, तो ये डी वाला आंसर गलत होएगा। यही चीज़ की व्याख्या दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके अगर आपके पास आपको पढ़ना है तो। आगे बात करते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कड़प्पा कुड़ुप्पा लिख दिया इसने, कड़प्पा ही है वो, मध्य प्रदेश में कड़प्पा क्रम की चट्टान को ग्वालियर संभाग में किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्वालियर संभाग में उसे ग्वालियर सीरीज के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ये पहला आंसर इसका सही होएगा। आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है व्याख्या में। ग्वालियर सीरीज की ऊपरी चट्टान को मोरार कहते हैं, ग्वालियर सीरीज की ऊपरी चट्टान को मोरार कहते हैं और निचली चट्टान को पार कहा जाता है, खत्म। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती है, मध्य प्रदेश कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, पन्ना में हीरा निकलता है, पन्ना प्रसिद्ध हीरो के लिए, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरो की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती है, तो हीरा के बारे में मैंने बता दिया था, हीरा जो है कड़प्पा चट्टान के बीजावर सीरीज से निकलता है, तो याद कैसे रखना है, हीरा कड़ा होता है तो ऐसे याद रखना है, कड़प्पा और बीजे टाइप का निकलता है हीरा, यानी ऐसा बीजे टाइप का होता है, तो बीजावर सीरीज दोनों याद आ जाएगा। तो हीरा फेमस है, यानी पन्ना फेमस है हीरो के लिए भारत में, तो ये कौन सी चट्टान से निकलता है, कड़प्पा चट्टान से निकलता है, कड़प्पा चट्टान से हीरे की प्राप्ति होती है, कांस्टेबल ने पूछा गया क्वेश्चन है, ये व्याख्या दी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए सही जोड़ी में पूछ लिया है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं।
तो मैंने बता दिया धारवाड़ की चट्टान। धारवाड़ की चट्टान कहाँ जाएगा ये? धारवाड़ की चट्टान जाएगा सांकोली सीरीज, सांकोली सीरीज जिससे ग्रेफाइट निकलता है, जिससे ग्रेफाइट निकलता है सांकोली सीरीज से, मैंने बताया धारवाड़ चट्टान। और छिल्पी सीरीज से क्या निकलेगा? कभी छिल्पी सीरीज पूछा तो छिल्पी सीरीज से निकलेगा मैग्नीज। नहीं आया समझ? धारवाड़ की चट्टान के सांकोली सीरीज से ग्रेफाइट निकलता है और धारवाड़ चट्टान के छिल्पी सीरीज से मैग्नीज निकलता है। तो ये इसका आंसर पहले वाले का डी होएगा, है ना। दूसरा विंध्य चट्टाने की बात कर लेते हैं। विंध्य चट्टाने में आएगा सेमरी, विंध्य चट्टाने में आएगा सेमरी, तो इसका सी सही होएगा। विंध्यांचल, विंध्यान की चट्टान सेमरी। अब बात करते हैं कड़प्पा की चट्टान। कड़प्पा की चट्टान, कड़प्पा की चट्टान बिजावर, मैंने बता दिया बिजावर सीरीज जिससे हीरा प्राप्त होता है ना। तो कड़प्पा की चट्टान बिजावर सीरीज, ये याद रखना है, सब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं गोंडवाना चट्टान की। तो गोंडवाना चट्टान जो है ये तालचेर, ये आ जाएगा इसका आंसर सही, तालचेर। तो देखिए कौन सा आ रहा है, दा सा, यानी दा सा बा आ, तो ये डी आंसर इसका सही होएगा। ये देखो ये लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारवाड़ चट्टान सांकोली उपक्रम की है। धारवाड़ की जो चट्टान है वो सांकोली उपक्रम की है, और विंध्य चट्टाने सेमरी उपक्रम की है, कड़प्पा चट्टाने बिजावर उपक्रम की है, और गोंडवाना चट्टाने तालचेर उपक्रम की है। तो ये याद रखना है, आ सकता है। अगला फिर क्वेश्चन चलते हैं सीधे। मध्य प्रदेश में कड़प्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? अब देखो कड़प्पा की बात आ रही है, और मैंने बताया हूँ आपको कड़प्पा के बिजावर सीरीज से हीरा निकलता है, और हीरा किधर निकलेगा? तो पन्ना में निकलेगा, छतरपुर तरफ निकलेगा। तो उधर साइड का एरिया आप चूज कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या होगा, पन्ना किधर है? पन्ना कहाँ पर है? उत्तर में है। तो उत्तर तो देखो दो इसमें दिख रहा है। अब उत्तर पूर्व एक तो सही होएगा, उत्तर पूर्व का, कि पन्ना छतरपुर उत्तर पूर्व में पड़ते हैं। मध्य प्रदेश का मैप देखना आप, तो ये उत्तर पूर्व एक सही। उत्तर पश्चिम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, उत्तर पश्चिम नहीं हो सकता। उधर साइड के कोई जिले में हीरा नहीं निकलता, उत्तर पश्चिम नहीं हो सकता। लेकिन दक्षिण पूर्व हो सकता है, दक्षिण पूर्व हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्या कि दक्षिण पूर्व के कई इलाकों में कोयला भी निकलता है ना, तो कोयला भी निकलता है। तो इसका आंसर सी डी सही होएगा फ्रेंड्स, ये डी सही होएगा। कड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग की आर्कियन और धारावाड़ के चट्टान से हुआ है, अपरदन के कारण हुआ है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टिप्पणी लिखी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होएगा, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दोनों सही, डी। बात करते हैं अगले 14वें नंबर की क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में विंध्य विंध्यन क्रम की चट्टान से लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है, ये क्वेश्चन है। MPSI 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका आंसर, तो मैं आपको बता दूं, लाल बलुआ पत्थर से सांची स्तूप का निर्माण हुआ है फ्रेंड्स। सांची स्तूप कहां पर है? ये अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में पड़ता है, अब्दुल्लागंज रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है। इस ये बना है सांची स्तूप, सांची स्तूप अब्दुल्लागंज रायसेन में है। ये बना है बलुआ पत्थर से। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची है, सांची तो वहां पे सांची जगह का नाम भी है। तो ये सांची स्तूप बना है लाल बलुआ पत्थर से, याद हो जाएगा। यूनेस्को में भी शामिल है ये सांची स्तूप, तो ये याद रख सकते हैं आप। विश्व धरोहर में भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन में चलते हैं, इसका आंसर तो सही क्या है, सांची स्तूप। ऑप्शन में चलते हैं भोजपुर, भोजपुर शिवलिंग मंदिर, शिवलिंग मंदिर ये मिलेगा आपको, ये वेत्रवती, वेत्रवती नदी के तट पे है। वेत्रवती नदी को तो बेतवा नदी कहते हैं, बेतवा नदी इसी का नाम है, तो याद रखना है, प्राचीन नाम था। तो वेत्रवती नदी के तट पे स्थित है, ये एक याद रख लेना है, भोजपुर शिवलिंग। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है फ्रेंड्स, भोजपुर शिवलिंग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। भोजपुर शिवलिंग वेत्रवती नदी के तट पे स्थित है, और ये बहुत बड़ा शिवलिंग है। और इसे जो है उत्तर भारत या फिर पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं। एक सोमनाथ तो गुजरात में है, आपने सुना होगा, इसे बोलते हैं पूर्व का सोमनाथ। क्वेश्चन आ सकता है, पूर्व का सोमनाथ किसे कहा जाता है? भोजपुर शिवलिंग को। ये भोजपुर शिवलिंग भोपाल के पास है, 30 या 40 किलोमीटर दूर है शायद। और ये राय, ये कौन से जिले में पड़ता है? ये रायसेन जिले, रायसेन,
रायसेन या सीहोर में पड़ता है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको आगे देख के बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन कारण याद नहीं आ रहा है। तो भोजपुर शिवलिंग से याद रख लेना है, वेद्रवती नदी के तट पर स्थित है, पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे। उसके बाद पशुपतिनाथ के मंदिर की बात कर लेते हैं, ये पशुपतिनाथ का मंदिर जो है ये मंदसौर में है, मंदसौर जिला, और ये सीवना नदी के तट पे स्थित है, आ सकता है सीवना नदी के तट पे स्थित है। तो याद रखना पशुपतिनाथ का मंदिर, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये मंदसौर जिले में है, सीवना नदी के तट पर। अब उसके बाद ए वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, ये ए वाला ऑप्शन जो है नाचना ठाकुर मंदिर, इंपॉर्टेंट है नाचना ठाकुर मंदिर, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। नाचना ठाकुर मंदिर कहाँ पर है आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये पार्वती माता का मंदिर है और ये पन्ना जिले में ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, पार्वती माता का मंदिर है और ये पन्ना जिले में है, पन्ना में है। क्या है नाम? नाचना नाचना कुठार मंदिर, ये पार्वती माता का मंदिर है पन्ना में, खत्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे आप इसका व्याख्या दी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में पाया जाएगा ना, वहीं पे तो विंध्याचल पर्वत है, विंध्य क्रम की चट्टाने लिखा है, तो जहाँ विंध्याचल पर्वत है वहीं तो पाया जाएगा चट्टान। तो याद रखना इसका आंसर बी होगा, उत्तरी भाग। अब देखो व्याख्या, मध्य प्रदेश के विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में पाया जाता है, उत्तर में पाया जाता है, याद रखना कि उत्तर में ही नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में ही विंध्याचल पर्वत है। तो ये हो गया 15वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने प्रकार पाए जाते हैं या पाए जाते हैं कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो इसका आंसर सी सही होगा, दो प्रकार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यन शैल समूह का वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, एक जिसे ऊपरी विंध्यन कहा गया है और एक दक्षिणी, एक है निचला विंध्यन कहा गया है। तो एक बात याद रखिए आप, ऊपरी विंध्यन को भी तीन समूह में बांटा गया है, एक होता है भांडेर सीरीज, रीवा सीरीज और कैमूर सीरीज, तो तीन समूह में बांटा गया है। तो अपर भांडेर बलुआ पत्थर, सिरबू सेल, लोअर भांडेर बलुआ पत्थर, ये भांडेर चूना का पत्थर, तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये रीवा सीरीज, अपर रीवा बलुआ पत्थर, झीरी सेल, लोअर रीवा बलुआ पत्थर, ये आपको याद रखना है, पॉज करके वीडियो को देखना है। तो उसके बाद अपन आगे चलते हैं, उसके बाद निचला विंध्यन समूह देख लेते हैं। तो इसमें सेमरी सीरीज आ जाता है, कुरनूल सीरीज, भीमा सीरीज, मनाली सीरीज, ये सब इसमें है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो टू आंसर इसका सही होगा, दो समूह में बांटा गया है। अगर पूछा आपको कि ऊपरी विंध्यन को कितने समूह में बांटा गया है, तो तीन, ये ऐसे याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं डीपली। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17वें नंबर का, मध्य प्रदेश में निचले विंध्यन क्रम की चट्टान के रूप में सेमरी उपक्रम का विस्तार किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। फ्रेंड्स आपने देखे होंगे इस, ये विंध्याचल जो है विंध्य क्रम की चट्टान, ऊपर वाले को ऊपरी कहते हैं, नीचे वाले को निचली, तो वहाँ पे इधर सोन नदी गई है, तो आप इसको, तो क्या आएगा इसका आंसर? सोन नदी घाटी। तो लेफ्ट टेक्निशियन में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने बताया था ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया है, तो याद रखना है तीनों भागों में बांटा गया है, ये तीन भाग थे, देखो ये तीन भाग, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। उसके बाद 19वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बोला है देखना है असत्य, तो ध्यान से देखिए कौन सा असत्य है। तो देखिए, कैमूर उपक्रम की चट्टान के रूप में पन्ना जिले के पूर्वी भाग व केन नदी घाटी क्षेत्र में ग्रेनाइट व कांगलोम रेंट की चट्टान के निक्षेपण पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, कैमूर उपक्रम की चट्टान के पन्ना जिला बिल्कुल सही है, पन्ना जिले तरफ है, कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम में स्थित सागर, पन्ना, दमोह जिले में रीवा उपक्रम का विस्तार पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, कैमूर की पहाड़ी आपने पढ़ा होगा, उधर ही साइड है। रीवा उपक्रम की निचली अवस्था में पन्ना सेल और
पन्ना सेल तथा ऊपरी अवस्था में झीरी सेल के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा वाला भी सही है फ्रेंड्स, रीवा उपक्रम की निचली अवस्था को पन्ना सेल, और तो ये भी तीसरा भी सही है। अब देखिए चौथा क्या बोल रहा है, कैमूर उपक्रम की चट्टानों में ग्रेफाइट व कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। तो कैमूर उपक्रम की चट्टान में ग्रेनाइट व कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं क्या? ये नहीं पाए जाते, डी आंसर इसका सही होगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में ऊपरी विद्युतक्रम के चट्टानों के रूप में कैमूर क्रम का विस्तार केन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में विद्याक्रम की चट्टान के में भांडेर उपक्रम का विस्तार विध्य पर्वत श्रृंखला यानी विध्यन पर्वत श्रृंखला के किस भाग में है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, विध्यांचल पर्वत के तीन भाग है, जो सामने वाला भाग है जो पूर्वी भाग, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसे विध्यांचल कहते हैं। बीच वाला जो भाग है उसे भांडेर श्रेणी कहते हैं, और उस तरफ जो आखिरी वाला भाग है पूर्वी भाग, उसे कैमूर श्रेणी कहते हैं। तो बीच वाली भांडेर श्रेणी है और सबसे लास्ट वाली कैमूर श्रेणी है, तो याद रखना है। तो यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश में विध्यान क्रम की चट्टानों के भांडेर उपक्रम का विस्तार विध्यान श्रृंखला के किस भाग में पाया जाता है? तो मैंने बताया पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, कैमूर। तो आंसर आ जाएगा पश्चिमी भाग को कैमूर पर्वत श्रृंखला है। तो 21वां क्वेश्चन चलते हैं। 21वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था? दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वप्रथम किस चट्टानों का अध्ययन किया गया था? दक्षिण पूर्वी भाग में गोंडवाना चट्टानों का अध्ययन किया गया था। आपको डायरेक्ट याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टान से किस खनिज का निक्षेप प्राप्त होता है? तो गोंडवाना की चट्टान से, मैंने आपको बताया था गोंडवाना लैंड की चट्टान में कोयला निकलता है और लोहा निकलता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। लेकिन बुक वाले ने पहला ये आंसर सही दिया है, राल व कोयला, तो ये आंसर सही दिया है। लेकिन कहा जाए, अगर देखा जाए सही तरीके से, तो कोयला और लोहा इसका आंसर सही होगा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23वें नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है, जमाने के लिए कहा गया है। सूची पहली और सूची दी गई है, चट्टानों का उपक्रम दिया गया है और जिले में विस्तृत दिया गया है, तो कहाँ पे कौन सा पाया जाता है बताना है। सबसे पहले महादेव उपक्रम की बात कर लेते, तो महादेव उपक्रम बहुत आसान है। महादेव उपक्रम छिंदवाड़ा तक है। देखो महादेव की पहाड़ी तो कहाँ पर है, होशंगाबाद में, लेकिन वो पूरी जो पहाड़ी है श्रेणी है उसे क्या कहते हैं, महादेव पर्वत श्रृंखला, वो छिंदवाड़ा तक है फ्रेंड्स, याद रखना है। होशंगाबाद से छिंदवाड़ा तक के यानी होशंगाबाद में है। महादेव पर्वत पर ही तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। क्या कि सतपुड़ा का हिस्सा है, सतपुड़ा का बीच वाला हिस्सा है, तो छिंदवाड़ा तक आया है, तो छिंदवाड़ा इसका सही हो जाएगा। तो ये हो गया छिंदवाड़ा। बीजावर उपक्रम की बात कर लेते हैं। मैंने बात बताया था आपको, बीजावर उपक्रम से क्या निकलता है, हीरा निकलता है। हीरा कहाँ निकलता है, पन्ना में निकलता है, तो ये इसका ये हो जाएगा। भांडेर उपक्रम की बात कर लेते हैं, तो भांडेर श्रेणी कहाँ पर है, रीवा पन्ना तरफ मिलेगी आपको, रीवा पन्ना सतना तरफ मिलेगी, तो ये सतना आ गया, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, इधर साइड है भांडेर उपक्रम। विध्यांचल पर्वतमाला का पूर्वी भाग को भांडेर श्रेणी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं तालचेर उपक्रम इंपॉर्टेंट है, ये शहडोल तरफ है। तालचेर उपक्रम इंपॉर्टेंट है, शहडोल तरफ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं, वाक्य दी हुई है, मध्य प्रदेश की महादेव उपक्रम की चट्टानों का विस्तार दक्षिणी जिले छिंदवाड़ा तक विस्तृत है। होशंगाबाद से छिंदवाड़ा तक विस्तृत है, ऐसा याद रखना है। बीजावर उपक्रम की चट्टानों पन्ना जिले में है, भांडेर उपक्रम की चट्टानों रीवा सतना में है, और तालचेर उपक्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले के शहडोल में विस्तृत है। तो उत्तर पूर्वी में जो जिले हैं शहडोल उमरिया अनूपपुर, उधर साइड में मिलेगा तालचेर, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपने को डिस्कस करना है। गोंडवाना चट्टान के तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश किस जिले में नहीं पाया गया है, बोला है नहीं पाया गया है, नहीं लग गया है, नहीं पाया गया है। तो अब नहीं पाया गया है, मैंने बताया शहडोल तरफ है, ये शहडोल तरफ, तो इधर देखो उधर साइड का कोई जिला दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा शहडोल। देखो सिंगरौली तरफ है, नहीं पाया गया है बोला है फ्रेंड्स, तो शहडोल बिल्कुल सही है, शहडोल तरफ पाया गया है। शहडोल सिंगरौली भी उधर ही साइड आता है, तो पाया जाता है। सीधी भी उधर ही साइड है पूरब में, तो पाया जाता है, लेकिन नरसिंहपुर बीच में आ गया, तो नरसिंहपुर में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
आगे चलते हैं 24 के बाद 25वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने शैल समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो देखो इसका आंसर 3 सही होगा, 3 डी नंबर का सही होगा, 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना उपक्रम की चट्टानों को 3 शैल समूह में बांटा गया है, ऊपरी गोंडवाना क्रम, मध्य गोंडवाना क्रम और निचली गोंडवाना क्रम। मैंने शुरू में ही बताया था आपको गोंडवाना शैल समूह को भी 3 समूह में बांटा गया है, सामने में अपन ने क्वेश्चन देखे थे, 3 समूह याद रखना है। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। मध्य प्रदेश के ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टान के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महादेव जो उपक्रम है, सतपुड़ा पर्वतमाला का जो बीचों बीच वाला भाग है, महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था आपको महादेव की पहाड़ी पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और धूपगढ़ कहाँ पर है? पचमढ़ी में, और पचमढ़ी आता है होशंगाबाद में। तो ये देखो ये आ गया आंसर इसका, पचमढ़ी उपक्रम, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में ऊपरी डक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ऊपरी डक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, इसको याद रखना है। कई क्वेश्चन लॉजिकली होते हैं, कुछ अलग टाइप के होते हैं, तो ये भी याद रख लेना है। ये इसका क्या आंसर आएगा? दक्षिण और पश्चिम में पाया जाता है, क्या कि दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार भी लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर दो दो होगा, दक्षिण पश्चिम तो होगा ही होगा, उसके अलावा इसका सी आंसर भी होगा, उत्तर पश्चिम भी होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना ये 27वें नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 28वें नंबर का। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टान के किस उपक्रम से लिंगनाइट कोयले की प्राप्ति होती है? ये लिंगनाइट कोयला होता है, कोयला भी चार प्रकार का होता है। क्वेश्चन आता है कोयला कितने प्रकार का है, चार प्रकार का। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, एंथ्रेसाइट नाम का एक कोयला होता है, सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 94 से 98% कार्बन की मात्रा होती है, सर्वाधिक अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, ये याद रखना है। लेकिन दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कोयला पूछा जाएगा तो लिंगनाइट है। तो इसको क्या बोला गया, क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टान के किस उपक्रम से लिंगनाइट कोयले की प्राप्ति होती है? तो किस उपक्रम से लिंगनाइट कोयले की प्राप्ति होती है ये पूछा गया है। तो लिंगनाइट कोयला अपने इधर निकलता है, जबलपुर और छिंदवाड़ा तरफ निकलता है, तो जबलपुर उपक्रम इसका आंसर सही होगा, जबलपुर उपक्रम से होता है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है, सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29वें नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के तृतीय शैल समूह के रूप में क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? 29वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे पोज करके देख सकते हैं, उत्तरी भाग में पाया जाता है, तो इसको देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? नहीं मिले हैं बोला है, तो नहीं मिले तो एक बात बता दूं मैं आपको, द्रविण संघ के साक्ष्य अपने मध्य प्रदेश में नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? द्रविण संघ ये दक्षिण भारत में मिले हैं, इसके साक्ष्य तो ये नहीं है। पुराना संघ अपने यहाँ है, धारवाड़ समूह अपने यहाँ पाया जाता है, आर्य समूह अपने यहाँ पाया जाता है। मध्य प्रदेश में द्रविण संघ की चट्टानों में साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में विभिन्न युग जैसे उनके साक्ष्य ये हैं, तो अध महाकल्प जिसे आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं, ये बुंदेलखंड व गुलाबी ग्रेनाइट नीस सील और डाइक ये इसके साक्ष्य है। धारवाड़ समूह बालाघाट की छिल्पी सीरीज मैंने बताया था, छिल्पी सीरीज से मैग्नीज निकलता है। छिंदवाड़ा का सौसर सीरीज से कोयला भी निकलता है बताया था, और बुंदेलखंड की बिजावर सीरीज जहाँ से बिजावर से निकलता है हीरा बीजा से, ऐसा याद रखना है। पुराना संघ की बात कर लेते हैं, पन्ना ग्वालियर का बिजावर श्रेणी, कैमूर भांडेर रीवा श्रेणी, ये पुराना संघ है। उसके बाद द्रविड़ संघ अपने मध्य प्रदेश में साक्ष्य नहीं मिले। आर्य समूह भी है, सतना एवं बुंदेलखंड में विस्तृत कोयला घाटी है ये, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मालवा के पठार में क्रीटे संकल्प ये भी याद रखना है, ज्वालामुखी वाला। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक व प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है बोला है? कौन सा कथन असत्य है पढ़ना है और बताना है?
पहला चलते हैं मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण गंगा यमुना के दौरान, गंगा यमुना के मैदान, सॉरी गंगा यमुना के मैदान व चंबल नदी के बीहड़ द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही है, उत्तर का होता है ना उत्तरी सीमा का निर्धारण। दूसरा पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण, पश्चिम में सतपुरा है ना, पश्चिमी सीमा का निर्धारण सतपुरा पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में और राजपीपला पर्वत है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और उत्तरी सीमा का निर्धारण अरवली पर्वत करती है, बिल्कुल सही है, अरवली पर्वत है और राजस्थान हिल, तो बिल्कुल सही है सेकंड वाला भी। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी, सॉरी तापी, ताप्ती है, ताप्ती, ताप्ती है, ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी व महाराष्ट्र के विस्तार पठार द्वारा होता है, बिल्कुल सही है तीसरा भी। चौथा वाला देख लेते हैं क्या है, मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण नर्मदा सोन घाटी द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं होता, नर्मदा सोन घाटी द्वारा थोड़ी होता है पूर्वी भाग, पूर्वी सीमा का निर्धारण। तो असत्य पहचान ने बोला था डी आंसर इसका सही होगा। अगला चलते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है, ये दक्षिण का पठार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि दक्षिण का पठार कैसे हो गया, लेकिन व्याख्या पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,245 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, ये भी याद रखना है। तो क्षेत्रफल के साथ दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश का, अधिकतर भाग डकन पठार के अंतर्गत आता है, यही कारण है कि प्रदेश के आधे से अधिक भाग पठारी है, लेकिन प्रदेश में जगह जगह ऊंचे नीचे पर्वत भी पाए जाते हैं। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपी पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये वाला तो क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, दक्षिण का पठार इसका आंसर सही है, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, MPSI में पूछा गया 2017 में, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक संरचना को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सी तीन तीन है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी व बघेलखंड पठार, इसकी व्याख्या दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या बोला गया, प्राकृतिक संरचना बोला गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बताऊंगा मैं अभी। आगे चलते हैं 33वें नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य को दो तिहाई क्षेत्र निर्मित होता है, दो तिहाई क्षेत्र निर्मित होता है करके बताया गया है। तो दो तिहाई क्षेत्र जो है ये मध्य उच्च भूमि के द्वारा निर्मित होता है, मध्य उच्च भूमि, तो मध्य उच्च भूमि का निर्माण आर्कियन, धारवाड़, डक्कन ट्रेप व विध्यन क्रम की चट्टान से हुआ है, तो ये याद रख लेना है फ्रेंड्स, ये त्रिभुजाकार है इसका। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है बोला है, असत्य कथन पहचानना है और टिक करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना के मैदान, उत्तर में यमुना के मैदान सही है बिल्कुल, पश्चिम में अरवली पर्वत बिल्कुल सही है, पूरब में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, तथा दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी पाई जाती, बिल्कुल सही है पहला कथन। मध्य उच्च प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात, नदी घाटी, मैदानों का विकास हुआ है, तो सही बात है, हुआ है, बिल्कुल सही है दूसरा भी। तीसरा चलते हैं, मध्य उच्च प्रदेश के उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियां ताप्ती नदी में मिल जाती है, तो सही बात है क्या, पूरी नदियां आके ताप्ती नदी में मिलती है क्या, नहीं मिलती, गलत है ये, पूरी नदी आके कहां ताप्ती में मिल जाती है, ये गलत कथन है, असत्य को पहचानना था। चौथा वाला पढ़ लेते हैं, मध्य उच्च प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है, मध्य उच्च प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है, बिल्कुल सही है, पाया जाता है ना, मध्य प्रदेश के बीचों बीच में है ऐसे विंध्याचल पर्वत, तो ये इसका सी गलत होगा, असत्य को पहचानने बोला था। अगला क्वेश्चन 35वें नंबर का धमाकेदार क्वेश्चन है, मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया पांच को विभाजित किया गया है, पांच कौन से, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, तो बस पांच हो गए प्राकृतिक प्रदेश, तो इसमें विभाजित किया गया पांच, याद रखना बस। अगला चलते हैं फ्रेंड्स, और दो प्राकृतिक प्रदेशों में भी बांटा गया है, तो दो प्राकृतिक प्रदेशों में भी बांटा गया है, इसको समझ लेना है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। छत्तीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है,
जो बीच में मध्य उच्च प्रदेश है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो। मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गंगा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है गंगा नदी बेसिन के नाम से? क्योंकि इधर की सब नदी जाके, मध्य उच्च प्रदेश की सब नदी जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है, इसे इसलिए गंगा नदी बेसिन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में आया था क्वेश्चन। तो ऐसे कठिन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। मध्य प्रदेश कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ये ऑब्जेक्टिव इसीलिए कराया जा रहा है जिससे आपको पता चल सके कि क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य कितने भौगोलिक भौतिक है, कितने भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर 7 होएगा। भौतिक प्रदेश बोलेगा तो 7 आंसर हो जाएगा, याद रखना है। भौतिक प्रदेश बोलेगा तो 7 आंसर होगा, प्राकृतिक संरचना बोलेगा तो 3 होएगा, प्राकृतिक प्रदेश बोलेगा तो 2 होगा। तो ये समझना है, इसको 7 में बांटा गया है, 7 और 2 अन्य उपभौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। 7 कौन से हैं? तो 7 तो बहुत आसान है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार। और 2 अन्य उप प्रदेश कौन से हैं? तो राजपीपला श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी, राजपीपला श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी। देखिए उसकी व्याख्या दी हुई है यहाँ पे, तो देखिए लिखा हुआ है इसकी व्याख्या, प्राकृतिक प्रदेश ये मध्य उच्च भूमि के 5 है, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में मैं आपको बता दूं। सतपुड़ा श्रेणी जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से समझिए। इसका जो पूर्वी भाग है, जो गुजरात से लेके बुरहानपुर तक के का जो पूर्वी भाग है, इसे क्या कहा जाता है? राजपीपला। इसे राजपीपला कहा जाता है पूर्वी भाग को। बीच वाला भाग जो है खंडवा से लेके तो बीच वाला जो भाग है फ्रेंड्स, जो होशंगाबाद में पड़ता है, उसे महादेव पर्वत कहते हैं। तो महादेव पर्वत सबसे पश्चिमी भाग को कहेंगे राजपीपला, बीच वाला जो भाग है उसे महादेव पर्वत, और सिवनी के बाद से जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है छोटा नागपुर के पठार तक, वो मैकाल श्रेणी के रूप में विस्तृत है, तो याद रखना है। और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे मिलेगी महादेव पर्वत पर, होशंगाबाद में। तो सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश राजपीपला हो गया, ग्वालियगढ़ और तथा महादेव श्रेणी, तो ये महादेव श्रेणी बीच में है देखिए, और मैकाल श्रेणी, 3 भाग होगा इसके। अब पूर्वी पठार की बात कर लेते हैं, पूर्वी पठार में एक बघेलखंड आता है, बघेलखंड को पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब बात करते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तृत है? तो पश्चिमी भाग बोल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश में पश्चिम भाग में राज्य के सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार भी आपको याद रखना है। अपने तो मध्य प्रदेश का याद कर लिए हैं, लेकिन कभी मालवा का पठार का याद कर पूछा जा सकता है, तो मालवा का पठार का है 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, तथा 73 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये आ सकता है फ्रेंड्स, ये आते रहता है, मालवा के पठार का इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा पठार है। तो कैसे याद रखना है, 22-25-73-79, बहुत आसान है। अगला चलते हैं, देखिए तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल है वो कितना है 88,222 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.8% है। इसका मतलब पूरे मध्य प्रदेश का 28% भाग जो है वो मालवा का पठार है, तो ये समझना है, मालवा का पठार जो है 28% है, तो ये आ सकता है कभी, और इसका क्षेत्रफल भी आ सकता है 88222 वर्ग किलोमीटर, यानी 88,222 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखिए भौगोलिक क्षेत्र दिए हुए हैं, जो इनके भौगोलिक क्षेत्र हैं कौन से जिले कहाँ आते हैं, ये पूरा स्थान और ये दिया हुआ है, तो उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत ये जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान है, इसको पॉज करना है और देख लेना है। नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है निमाड़ की समतल भूमि, जो निमाड़ क्षेत्र है वो खंडवा खरगोन वाला एरिया को निमाड़ क्षेत्र कहते हैं,
और नर्मदा के आजू, नर्मदा नदी जो बही है उसके आजू बाजू वाले जिले लिखे हुए हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 39 नंबर का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कांस्टेबल में आया 2016 में। मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा होता है? मालवा का पठार हो गया, मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण, तो उसके दक्षिण में कौन सा पठार है वही देख लो। तो मालवा के पठार के दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है ना, नर्मदा सोन घाटी, सी आंसर इसका सही होएगा, नर्मदा सोन घाटी है। तो दक्षिण सीमा का निर्धारण कौन करता है बोल रहा है, तो नर्मदा सोन घाटी करती है, सी आंसर इसका सही, मध्य पुलिस में आया था यह क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40 वाला, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत फ्रेंड्स ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक गई है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है ये, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु सिखर या अबू सिखर, जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली पर्वत एवं विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, देखो ये अरावली पर्वत हो गया, देखो मैप के हिसाब से बता देता हूँ आपको मैं, ये आपने मैप बना लिया मध्य प्रदेश का, ये मैप बन गया मध्य प्रदेश का, रफली मैप है एक, ये अरावली पर्वत है और यहाँ से विंध्याचल पर्वत है। तो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में यहाँ पे मालवा का पठार है ना, इसका आंसर सही हो जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य उच्च प्रदेश का पश्चिमी भाग, जिसका विस्तार आलावरी और विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित है। मालवा के पठार के अंतर्गत अवस्थित विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गंगा एवं नर्मदा बेसिन के मध्य जल विभाजक है। तो ये आपको समझ में आ गया, व्याख्या लिखी थी। अगला चलते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पटवारी में भी आया है, लेफ्ट टेक्नीशियन की परीक्षा में भी आया है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार के किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना है, एक नंबर क्वेश्चन है ये, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, और मालवा का पठार सबसे बड़ा है, इसका मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाएगी। तो देखिए यहाँ इसको समझ लेते हैं, पहले एक नंबर क्वेश्चन है ये, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मालवा का पठार डक्कन ट्रेप का उत्तरी भाग है, डक्कन ट्रेप का उत्तरी भाग है, जिसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टान से हुआ है। मालवा के पठार का निर्माण बेसाल्ट की चट्टान से हुआ है, बेसाल्ट की चट्टान का मतलब ज्वालामुखी पदार्थ से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकला वो ठंडा हो गया, जम गया, ज्वालामुखी पदार्थ से हुआ है, और इन चट्टानों के अपघटन और वियोजन से, इन चट्टानों के अपघटन एवं वियोजन से काली मृदा का निर्माण हुआ है, इन चट्टानों के अपघटन एवं वियोजन से काली मृदा, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। मालवा के पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो कपास और सोयाबीन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो क्वेश्चन आएगा, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और काली मिट्टी का एक और नाम पूछा जाएगा, रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। खंडवा खरगोन में कपास की खेती होती है, और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है उधर साइड। मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो नर्मदा बेसिन है, नर्मदा के घाटी है आजू बाजू खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र, जहाँ सर्वाधिक गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए वहाँ कपास की खेती होती है, जबरदस्त। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया क्वेश्चन आते रहता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से उद्गमित होकर उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली अधिकतम नदियां किस नदी में जाके मिल जाती है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जो भी नदी जाएगी वो कहाँ बहेगी? उत्तर प्रदेश में जाके मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी मिलेगी? तो यमुना में मिलेगी, ऊपर साइड में यमुना नदी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस किए थे, तो देखो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मालवा के पठार के अंतर्गत दो अपवा तंत्रों का विकास होता है, जिसमें से चंबल, कालीसिंध, बेतवा, छिपरा आदि नदियां उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना नदी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त माही नदी हो गया, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ताप्ती नहीं है तापी नदी, ताप्ती, ताप्ती है ताप्ती। इसके अतिरिक्त माही हो गया, नर्मदा, ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती है, याद रखना है, पश्चिम की ओर तीन नदी बहती है मध्य प्रदेश की, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहती है, खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है अरब सागर में, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये याद रख लेना है।
नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस पठार को नदियों का मायका कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भी नदियों का मायका कहा जाता है, सर्वाधिक नदी अपने मध्य प्रदेश से निकलती है इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा गया मध्य प्रदेश के किस पठार को, तो पठार यहाँ पे सबसे बड़ा पठार मालवा का ही है, तो मालवा के पठार को नदियों का मायका कहा जाता है, ये याद रखना है। मालवा के पठार से काली सिंध नदी निकलती है, छिपरा नदी बहती है मालवा के पठार में, पार्वती नदी बहती है चंबल में मिल जाती है, बेतवा नदी बहती है गंभीर गंभीर है ये हाँ गंभीर नदी बहती है, आदि नदियों का उद्गम होता है उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो याद रखना 43 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में आया हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या क्वेश्चन बोला है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, सिगार की चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन गुडविल की चोटी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, गुडविल की चोटी जो है फ्रेंड्स, ये गुडविल की चोटी से याद रखना है, ये किसकी चोटी सबसे ऊंची है, ये भांडेर श्रेणी जो पढ़े अपन ने विध्यांचल में, भांडेर श्रेणी जो बीच में है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसी का एक और नाम है गुडविल चोटी का, सद्भावना की चोटी ये दमोह में पड़ती है ये। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला गया उसको देखते हैं, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, सिगार की चोटी याद रखना है, ये छजारी की चोटी ये भी यहाँ पे मालवा में रहती है, ये भी मालवा की चोटी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए लिखा हुआ है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी है, जानापाव की पहाड़ी भी मालवा के पठार में आती है, जानापाव की पहाड़ी से ही चंबल नदी निकली है। उसके बाद छजारी की चोटी, ये मालवा के पठार की है फ्रेंड्स, याद रखना है, मालवा के पठार की। एक और है काकरी बर्डी की चोटी या काकरी बर्डी की पहाड़ी यहाँ से छिपरा नदी निकली है, ये भी याद रखना है। उसके बाद है गोमनपुर की चोटी, ये भी कहाँ पर है, मालवा में। तीन चार चोटी इंपॉर्टेंट है, सिगार की चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, जानापाव की चोटी इंदौर में है, मालवज की चोटी है ये भी मालवा के पठार में पाई जाती है, छजारी की चोटी ये भी मालवा के पठार में है, और गोमनपुर की चोटी ये भी मालवा के पठार में है। इसके अतिरिक्त काकरी बर्डी की पहाड़ी या चोटी वो भी कहाँ पर है, मालवा के पठार में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 45 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल, मालवा के पठार की ढाल किस दिशा की ओर है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सरल ही सरल पढ़ के नहीं जाना है, कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की ढाल ही पूछ डाला उसने, किस दिशा में, तो ढाल किस दिशा में, तो देखिए इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी दिशा। मध्य प्रदेश में पश्चिम में स्थित मालवा का पठार की ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांस्टेबल में आया 2016। व्यापम क्या कर रहा था उस टाइम पे, बहुत डीपली क्वेश्चन जब पूछ रहा था, कठिन जब पूछ रहा था, तो ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा रहा था बस, और कुछ नहीं कर रहा था, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा था। बहुत दिन तक पेपर चलते हैं, एक एक महीना पेपर चलते हैं, एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, इस कारण ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन आप MPPSC प्री की बात करें तो उसमें सिंपल और साधारण और अच्छा क्वेश्चन आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की ढाल किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर की ओर है, उत्तर आपको समझ में आ गया, ऊपर और पूर्व की ओर है, और है जभी तो नदी ऊपर जाके यमुना में मिलती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के मध्य भाग में कौन सी रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा है, मालवा के पठार के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा ही तो गुजरेगी, तो याद रखना है, मालवा के पठार के बीचों बीच से गुजरती कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, या मालवा के पठार के मध्य भाग से और नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है, मालवा के पठार के अंतर्गत 8 जिलों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। लेकिन बात करें अगर मालवा के पठार के, तो 8 जिलों से गुजरती है, उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन से कर्क रेखा गुजरती है। ये टिप्पणी लिखी हुई है, ये भी देख लेना है, नागदा जिला बनने वाला है मध्य प्रदेश का, 53वां जिला बनने वाला है, नागदा उज्जैन से अलग होकर बनेगा, जिसकी घोषणा 2019 में की गई है। खत्म। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त
किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? बहुत ही ग्रुप फोर में पूछा गया और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त लिख दिया है यहाँ पे, तो अतिरिक्त की बात आएगी, अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है, तो ये चंबल इसका आंसर सही हो जाएगा। बेतवा तो हो नहीं सकता, बुंदेलखंड के पठार तरफ जाती है बेतवा, और ये हो गया सोन, तो इधर पूरब में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ताप्ती तो हो ही नहीं सकता, नीचे में दक्षिण में बही है, पूरब से पश्चिम की ओर गई है, चंबल आंसर सही होगा। चंबल याद रखना है। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा के पठार में सम्मिलित नहीं है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मालवा के पठार में सम्मिलित नहीं है अगर के पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे इसको भी। देखो नीमच भी मालवा के पठार में आता है, सीहोर भी आता है, देवास तो आता ही आता है, विदिशा भी आता है, उज्जैन भी आता है, रतलाम में आता है। मालवा के पठार में कम से कम 18 से 19 जिले आते हैं फ्रेंड्स, याद रखना है। मालवा के पठार में 18 से 19 जिले आते हैं। मालवा के पठार में ज़्यादातर मालवी बोली बोली जाती है, जैसे कभी क्वेश्चन आ सकता है रतलाम में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मालवी। तो ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ बात क्या गई है, बात करते हैं बैतूल की, तो बैतूल तो सतपुड़ा के पठार में आता है। बात करें नरसिंहपुर की, तो नरसिंहपुर नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा नदी भाई है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है, तो इसका आंसर डी होएगा। तो डी होएगा, बैतूल और नरसिंहपुर मालवा के पठार में सम्मिलित नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के पठार का सबसे गर्म माह कौन सा है? सबसे गर्म महीना पूछा है मालवा के पठार का। मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना मई है फ्रेंड, याद रखना है, पेपर में आता है मई है। सबसे ठंडा महीना कभी पूछा तो, सबसे ठंडा महीना पूछा तो दिसंबर और जनवरी है, ये भी याद रखना है। और मालवा के पठार का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 40 डिग्री सर्वाधिक 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 50वें नंबर का क्वेश्चन है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, उत्तर और पश्चिम, मालवा के पठार के उत्तर और पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? मालवा के पठार के उत्तर और पश्चिम, तो देखिए उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम में मालवा के पठार के आरावली पहाड़ियां है ना, तो इसका आंसर होगा बी, आरावली की पहाड़ियां हैं, तो याद रखना है ये। आरावली की पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी है गुरु सीकर या अबू सीकर, राजस्थान में है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला आरावली पर्वतमाला है, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है रायसेन हिल में बना हुआ है, जो दिल्ली में, यानी जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है फ्रेंड दिल्ली में, वो रायसेना हिल पर स्थित है, तो ये भी याद रखना है। अरावली पर्वत, ये व्याख्या दी हुई है, आप देख सकते हैं, ये गुरु सीकर की ऊंचाई भी दी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51, जबरदस्त क्वेश्चन है, मालवा के पठार में किस पठार की जलवायु पाई जाती है? क्वेश्चन क्या बोला है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आपको मानसूनी लगाना है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है ये लगाना है। लेकिन यहाँ बोला है मालवा के पठार में, तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ये इसका आंसर सही होगा। समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिला फ्रेंड्स, तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको लगाना है, शुष्क महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है, लगाना है आपको, जेल प्रेरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 52वें नंबर का, मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मैंने आपको बताया था, मालवा का जो पठार है वो ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, लावा के जमने से बना है, बेसाल्ट चट्टाने कहते हैं उसे, इस कारण मालवा का पठार काली मिट्टी पाई जाती है। वो बताया ये, मालवा का पठार भौतिक बनावट के अनुसार उत्तर की ओर विध्य श्रृंखला, दक्षिण की ओर डक्कन लावा के पठार से विभाजित है, तो मालवा का पठार आएगा, लावा वाली बात है। लेकिन देखो ऑप्शन में यहाँ पे बघेलखंड लिखा हुआ है, तो ये गलत छपा रहता है थोड़ा बहुत, उसको आपको ध्यान नहीं देना। मालवा का पठार फाहियान ये चीनी यात्री था फ्रेंड्स, फाहियान चीनी यात्री, घूमने फिरने का शौक था, भारत आया था ये फाहियान नामक चीनी यात्री, ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था फाहियान। और ये किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका ही नाम विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य, जिसका नाम क्या था,
विक्रमादित्य था। तो याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। उज्जैन का राजा था ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फाहियान किसके दरबार में आया था, क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान नामक चीनी यात्री आया था। और ये चीनी यात्री जो था, ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था फाहियान। व्याख्या दी हुई है, पढ़ लेते हैं। फाहियान ने मालवा का पठार की जलवायु को, मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। यह ग्रीष्म में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही ठंड में अधिक ठंडी पड़ती है। इसकी औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान मालवा के पठार का 40 से लेकर 42 सेंटीमीटर तक होता है, सेल्सियस तक होता है। इस प्रकार की जलवायु साधारण सम है, सम है ना, इस प्रकार की जलवायु साधारण सम है। इसीलिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या पढ़े थे, इसके पहले वाले में पढ़े थे समशीतोष्ण जलवायु। मालवा क्षेत्र में भी मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है तथा इन्हीं मानसूनी पवनों के द्वारा इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसूनी पवनों के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर यह वर्षा की मात्रा घटती है। तो ये याद रखना है। तो फाहियान नामक चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था और इसने मालवा के पठार को, मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। किसने कहा है करके आ सकता है, फाहियान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का, किस चोटी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी, लेकिन वांचू पॉइंट ये इंदौर में है। इंदौर में जो जानापाव की पहाड़ी है, जानापाव की पहाड़ी है, वहीं पर है वांचू पॉइंट इंदौर में। तो ये वांचू पॉइंट कहाँ है, इंदौर में, याद रखना है। और ये वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है वांचू पॉइंट से ही। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, किस चोटी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो जानापाव की चोटी जो इंदौर में है, जानापाव की पहाड़ी है, जानापाव की चोटी, वहीं पे वांचू पॉइंट स्थित है चंबल नदी का उद्गम स्थल। ये सिद्ध बाबा की चोटी है, ये बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये सिगार की चोटी जो है, ये मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का, मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पूर्व में स्थित मध्य भारत के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा होता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित मध्य भारत के पूर्वी पठार, तो इसका आंसर सी होगा, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार नाम से स्पष्ट हो रहा है, देखो उत्तर और उत्तर पूर्वी, उत्तर बोला ये उत्तर और उत्तर पूर्वी, तो यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, इसका आंसर होगा बुंदेलखंड। आप देख सकते हैं दूसरा चलते हैं, शिशुपाल, शिशुपाल कौन था, ये महाभारत कालीन छेदी राज्य का स्वामी था। शिशुपाल महाभारत कालीन छेदी राज्य का स्वामी था। तो शिशुपाल की राजधानी चंदेरी बेतवा नदी के तट पर किस पठार में थी, किस पठार में है या किस पठार में थी, यह क्वेश्चन पूछा है। शिशुपाल की राजधानी चंदेरी बेतवा नदी के तट पर किस पठार पर है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, चंदेरी आता है, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और चंदेरी आता है अशोकनगर में, और अशोकनगर जिला, अशोकनगर जिला कहाँ आएगा, तो अशोकनगर जिला, अशोकनगर जिला है बुंदेलखंड के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में दतिया आता है, अशोकनगर आता है, छतरपुर और टिक्कमगढ़, निवाड़ी, ये सब जिले आते हैं। तो आपको याद रखना है, तो देखो ये लिखा भी हुआ है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत अशोकनगर, चंदेरी, छतरपुर, टिक्कमगढ़, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, ग्वालियर भिंड मध्य भारत में आते हैं, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा यहाँ भी आते हैं। तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का इतना परसेंट है, 5.4, ये पूरी चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, व्याख्या भी पढ़ना है जो काम आएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मैंने बताया था मध्य भारत के पठार को, मध्य भारत को पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अगर क्वेश्चन आया तो कभी कभी यहाँ पे बुक के हिसाब से नहीं चलना है अपने को, अपने को थोड़ा सा बुक में गलत छपा रहता है। देखो मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एक बात मैं बता दूँ आपको जान के, कि मध्य भारत का जो पठार है ऊपर में है, उसे चंबल का, उसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं, चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं। और उसे ही मध्य भारत के पठार में सरसों की खेती बहुत होती है, जलोट मिट्टी पाई जाती है, सरसों की खेती सर्वाधिक होती है, तो सरसों उत्पादन की हांडी कहते हैं। तो ये याद रखना है, इसका आंसर पहला और दूसरा सही होगा, ये थोड़ा सा बुक में गलत दे दिया है।
पहला चंबल का उपाद्र प्रदेश, ये सही है। और सरसों उत्पादन की हांडी कहते हैं मध्य भारत के पठार को। गेहूं की डालियां मालवा के पठारों को कहते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है, गेहूं की खेती होती है, इसलिए मालवा के पठार को गेहूं की डालियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 58वें नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार के पूर्व उत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? अरे मालवा के पठार के पूर्व उत्तर में कौन सा है करके पूछा गया है, तो देखो मालवा का पठार एक बार आपको मैं क्लियर कर ही देता हूं यहां पे मैप के थ्रू। ये यहाँ पे मालवा का पठार है, ये मध्य भारत का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है, या रीवा पन्ना का पठार है, या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, या बीच से भैया नर्मदा सोनघाटी। तो क्या पूछा क्वेश्चन, पूर्व और उत्तर में किस पठार, पूर्व उत्तर में किस पठार, तो मध्य भारत का पठार। तो इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो फ्रेंड्स आपको दिशा के हिसाब से याद रखना है, इसका आंसर बुक वाले ने मध्य भारत का पठार दिया है, तो मध्य भारत का पठार भी सही हो सकता है। लेकिन अगर बात करें अपन पूर्व उत्तर की, तो पूर्व उत्तर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो पठार है तो देखिए ये भी हो सकता है, बुंदेलखंड का भी पठार सही हो सकता है, क्या दिक्कत है उसमें, बुंदेलखंड भी पूर्व उत्तर में ही है। तो ये आप ऑप्शन के हिसाब से कई क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई तक पूछ लिया है, पूछा नहीं है यानी क्वेश्चन है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो सी 500 मीटर तक है। तो याद रखना 500 मीटर तक औसत ऊंचाई है मध्य भारत के पठार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है बोला है मध्य भारत का पठार। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको सब पता होना कि मध्य भारत का पठार कितना प्रतिशत है, और जितने भी पठार है वो कितना प्रतिशत है, तो ये सब पता होना फ्रेंड। तो एक बार मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार जो 28% है। इसके बाद दूसरे नंबर का जो पठार आएगा वो अपन आगे देखेंगे, अभी यहाँ बात करते हैं मध्य भारत का पठार जो बोला है कितने परसेंट है, तो 10.7% है मध्य भारत का पठार, 10.7% है, याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 61वें नंबर का, मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती है, तो सब उत्तर की ओर बहती है, सब उत्तर की ओर बहती है, उत्तर या उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, उत्तर या उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, पूरा पश्चिम देखो उत्तर की ओर बहती है या उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, और कहाँ जाके मिलती है, यमुना मिल जाती है ना। तो ये याद रखना है, मध्य भारत के पठार का पूछा है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन के हिसाब से रहता है कई क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम दे दिया है तो ये आंसर सही होएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार के अंतर्गत किस स्थित चंबल घाटी गहरी कितनी है, क्या क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार के अंतर्गत स्थित चंबल घाटी की गहराई कितनी है, जबरदस्त क्वेश्चन है, चंबल घाटी की गहराई तक पूछी जा सकती है, चंबल घाटी की गहराई 300 मीटर है, चंबल घाटी की गहराई 300 मीटर है। लेकिन आपको बता दूं कई जगह चंबल घाटी की गहराई 15 मीटर से 30 मीटर, कई जगह 30 से 50 मीटर तक है, आप गूगल करोगे तो 50 मीटर मिलेगी है ना। तो यहाँ पे लेकिन 300 मीटर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में मध्य भारत के अंतर्गत स्थित चंबल घाटी की गहराई 300 मीटर है, चंबल घाटी एक नातिलंब घाटी स्ट्राइक वैली है, ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, याद रखना है चंबल घाटी किसका उदाहरण है, तो स्ट्राइक वैली का उदाहरण है। और एक आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए, चंबल नदी जो है रेवेनी से बहती है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता जा सकता है कहाँ से बहती है, किस प्रकार से बहती है, यानी बहती है तो कौन सी घाटी से बहती है, तो रेवेनी, खड़ भूमि कहते हैं इसको हिंदी में, खड़ भूमि से बहती है, याद रखना है। तो चंबल नदी खड़ भूमि से बहती है, उसे इंग्लिश में रिवेनी कहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कभी। तो चंबल घाटी एक नातिलंब घाटी स्ट्राइक वैली है, जिसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उधर साइड मध्य भारत के पठार में, तो जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। चंबल घाटी 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक गहरी और खड़ी भूमि होती है, तो ये आपको याद रखना है। और आपको भ्रंश घाटी का नाम सुने होंगे आपने, तो कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, भ्रंश घाटी से नर्मदा और ताप्ती नदी दो नदी बहती है, एक नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो नदी बहती है भ्रंश घाटी से। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है स्ट्राइक वैली की, तो स्ट्राइक वैली कहाँ पर है, चंबल घाटी, और मैंने बताया एक रिवेनिस, तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन आते रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है? आपको जानकारी के लिए बता दूं, सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जिला है मुरैना। मुरैना में सर्वाधिक मृदा अपरदन पाया जाता है, दिखाई देता है, पड़ता है मृदा अपरदन, तो डायरेक्ट याद रखना है, तो ये मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक मृदा अपरदन होती है। चंबल घाटी भाई, चंबल नदी भाई है, वहीं पर मध्य भारत का पठार है ऊपर में, तो वहाँ पे है मृदा अपरदन। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार के अंतर्गत अवनालिका अपरदन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। मध्य भारत के पठार में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? अवनालिका अपरदन है। इसे क्या बोलते हैं? GULLY, गुली इरोशन कहा जाता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश भी याद रखना है। मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है मृदा अपरदन के पठार में, सर्वाधिक वनों की कटाई के कारण हुआ है। तो कभी पूछा मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है, क्यों हो रहा है, तो वनों की कटाई के वजह से, ज़्यादा वन नहीं काटना चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोच्च उपाय क्या है, तो वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे आप तो वृक्षारोपण करोगे तो मृदा अपरदन की समस्या कम होगी, तो याद रखना ये। और आगे चलते हैं, इसके कारण यही क्षेत्र भारत के सबसे बड़े बीहड़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो बीहड़ की समस्या किस नदी पे है, क्वेश्चन आएगा चंबल नदी, चंबल नदी तरफ है बीहड़ की समस्या सर्वाधिक, तो चंबल नदी के तरफ है और मध्य भारत के पठार में है बीहड़ की समस्या, कभी पूछा तो। और एक आपको बता दूं, ये अवनालिका अपरदन इंपॉर्टेंट है। अवनालिका अपरदन का मतलब क्या होता है? जब वर्षा होती है फ्रेंड्स, जब वर्षा होती है तो जल तेजी से बहता है, तो वर्षा जब होती है जल तेज बहाव से, जब ज़्यादा वर्षा होती है तो जल जो है वो तेज बहाव से सतह पर बहता है, तेज बहाव से सतह पर बहता है और मृदा का अपरदन उसके धाराओं के रूप में हो जाता है। मृदा का अपरदन, उसकी जो धाराएं बहती है उसके साथ मृदा का अपरदन हो जाता है, तो उसे ही अवनालिका अपरदन कहा जाता है। समझ में आ जाएगा आपको। अब वर्षा के जल के तेज बहाव के बहाव से सतही मृदा का अपरदन धाराओं के रूप में बह जाना को ही अवनालिका अपरदन कहते हैं, बस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत सर्वाधिक गर्मी किस माह में पड़ती है? ये क्वेश्चन शायद अपन ने देख लिए थे इसके पहले, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है मध्य भारत के पठार की बात हो रही है, तो याद रखना मध्य भारत के पठार और मालवा के पठार में मई में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और दिसंबर जनवरी में सर्वाधिक ठंडी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? देखो उत्तर बोला है और मध्य बोला है, तो उत्तर और मध्य भाग में किस पठार का भाग पाया जाता है, तो बुंदेलखंड का पठार आंसर सही हो सकता है इसका। क्यों? क्योंकि उत्तर और मध्य बोला है तो बुंदेलखंड का पठार स्थित है, जिसका यह देख सकते हैं आप, बुंदेलखंड का पठार, जबरदस्त है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66वें नंबर का, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तो कितने प्रतिशत बोला है, तो बुंदेलखंड का जो है 7.79% है। तीनों का प्रतिशत याद रखिए, मालवा का पठार 28% है, मध्य भारत का पठार 10% है, और काय की बात हो रही थी, बुंदेलखंड का पठार 7.79% है, प्रतिशत आ सकता है इसलिए याद रखना है, तीनों का साथ में याद रखिए, बात हो रही थी बुंदेलखंड के पठार की। ये आगे चलते हैं, बुंदेलखंड के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश के भिंड, दतिया बुंदेलखंड में आता है, शिवपुरी, सागर, पन्ना, छतरपुर, टिक्कमगढ़, ग्वालियर, याद रखना है बुंदेलखंड के पठार में जो जिले आते हैं वो बुंदेली बोली बोली जाती है, कभी क्वेश्चन बना सकता है जैसे कि छतरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बुंदेली, ऐसे याद रखना है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी 1172 मीटर ऊंचाई है इसकी। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, सिगार की चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जानापाव की चोटी भी मालवा के पठार में आती है, जानापाव की चोटी से चंबल नदी निकलती है। आगे चलते हैं, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, सतपुड़ा महकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है फ्रेंड? सतपुड़ा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर, और ये 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। विध्यांचल पर्वत की बात कर लेते हैं, विध्यांचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुडविल, इसे ही सद्भावना की चोटी भी कहा जाता है, ये दमोह में है, याद रखना है, सद्भावना की चोटी भी कहा जाता है। ये देखिए, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, ये तीनों आंसर लिखा हुआ है, मीटर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, 69वें नंबर का क्वेश्चन,
नेक्स्ट चलते हैं 69वें नंबर का क्वेश्चन। बुंदेलखंड के पठार के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, बोला है असत्य वाला बताना है, बुंदेलखंड से रिलेटेड है। बुंदेलखंड पठार से प्रभावित होने वाली नदियां घासान, केन, बेतवा उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, चलो उत्तर पश्चिम की ओर तो बहती है ठीक है, जो संकरी घाटियां, जलप्रपात और कागर व खड्डों का निर्माण करती है, तो ये सब खड्डों वड्डों इनका निर्माण नहीं करती, पहले ही गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, बुंदेलखंड पठार की चट्टानों का निर्माण आग्नेय कायंत्रिक चट्टान से हुआ है जिसे ग्रेनाइट सेल और बुंदेली नीस के निक्षेप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये तो ठीक है, याला सही है। बुंदेलखंड पठार के ऊपरी भाग में जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण पश्चिम भाग में निचले भाग में डक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, मिल रहा है, इसके ऊपर में जलोढ़ मिट्टी है। बुंदेलखंड पठार का एक तिहाई भाग समतल प्राय मैदान है जो तीनों ओर से विध्य कगार से घिरा हुआ है, ये भी सही है। इसका आंसर आएगा सर, इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स असत्य पूछा था, पहला वाला असत्य है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कगार कहा जाता है, ये याद रखना है, विंध्यन कगार किसे कहा जाता है, तो रीवा पन्ना का जो पठार है उसका एक और नाम है विंध्यन कगार कहा जाता है, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत दो चार जिले मिलेंगे आपको, रीवा हो गया, रीवा मिलेगा, रीवा, सतना, सीधी, ये सब जिले मिलेंगे आपको, तो रीवा पन्ना का पठार आपने देखा होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 71 नंबर का क्वेश्चन है, रीवा पन्ना के पठार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका पहला आंसर सही होगा फ्रेंड्स, रीवा पन्ना की भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, 23-25 78-82 ऐसा याद रखना है, रीवा पन्ना वाला पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। रीवा पन्ना के पठार की दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑप्शन में नर्मदा भी दे दिया है, ऑप्शन में सोन भी दे दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन बोला है उसने रीवा पन्ना के पठार की दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण कौन करता है करके पूछा है, तो ये इसका आंसर इसने नर्मदा सही दिया है, तो थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत ही अलग, जबकि बेतवा नदी भी उसके किनारे से गई है, तो ऐसे, लेकिन फ्रेंड्स इसका आंसर नर्मदा सही है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत जा बेरा का गुंबद स्थित है, बहुत जबरदस्त गुंबद है फ्रेंड्स ये जबेरा का गुंबद, क्वेश्चन पूछ लिया है जबेरा का गुंबद किस पठार में स्थित है, आपको जानकारी के लिए यहां से मैं बता दूं क्वेश्चन और कैसा बन सकता है, जबेरा का गुंबद पूछ सकता है, जबेरा का गुंबद किसका उदाहरण है, यानी कहां पर है, किस पठार पर है पूछा है अभी, तो याद रखना है कगार भूमि, ये क्वेश्चन आया है कगार भूमि पर है, क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश किस पठार में है पूछा है, तो एक कगार भूमि पर है, किस भूमि पर है पूछ सकता है, किस में है पूछ सकता है, जुबेरा का गुंबद कहाँ स्थित है, किस में है, तो कगार भूमि पर स्थित है, कगार भूमि पर स्थित है जबेरा का गुंबद, और आपको जानकारी के लिए बता दूं ये जबेरा का गुंबद दमोह जिले में है, एक गुंबद बन गया है दमोह जिले में है, जबलपुर के ऊपर जो दमोह जिला आता है और दमोह के किनारे ही रीवा जिला है, रीवा पन्ना का पठार लग गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, रीवा पन्ना का पठार में है स्थित, दमोह में आता है याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं काम आ सकती है। मध्य प्रदेश के में रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत स्थित भांडेर श्रेणी के दक्षिण दिशा में जबेरा का गुंबद स्थित है जो लगभग 29 किलोमीटर लंबा 13 किलोमीटर चौड़ा, जबेरा के गुंबद का मध्यवर्ती भाग भूमि क्षरण व कटाव के कारण घाटी में परिवर्तन हो गया जो चारों ओर से गोलाकार है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, तो आपको मैं जानकारी के लिए यहां से बता दूं विंध्याचल पर्वत जो है फ्रेंड्स उसके भी तीन भाग कहा जाए, तो सबसे पश्चिम भाग को विंध्याचल कहते हैं, बीच में जो भाग है उसे भांडेर श्रेणी कहते हैं, भांडेर श्रेणी और सबसे पूर्वी भाग जो है उसे कैमूर की पहाड़ी या कैमूर श्रेणी कहते हैं, कैमूर श्रेणी, तो
भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का है, तो विंध्याचल पर्वत का है और उसे का नाम है गुडविल, 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 ये गुडविल, ये गुडविल की चोटी। गुडविल की चोटी का एक और नाम है सदावना, यानी सद्भावना ही बोल सकते हैं, लेकिन सदावना। यहां क्या लिखा है, हाँ तो याद रखना है आपको, सद्भावना, सद्भावना नेट में सर्च मारो तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको, सदावना की चोटी। इसका एक और नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सही हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में, दमोह जिले में है, याद रखना है चोटी, गुडविल चोटी दमोह जिले में है। पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। गुडविल चोटी को सद्भावना शिखर, ये देखो ये लिखा हुआ है, गुडविल चोटी को सद्भावना शिखर, कालूमार शिखर, कालुम्बे शिखर के नाम से भी जाना जाता है, तो दो तीन नाम मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट 75वें नंबर का, निम्न में से मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 500 मीटर, याद रखना है 500 मीटर ऊंचाई है उसकी औसत ऊंचाई। विंध्याचल पर्वत का जो सबसे पूर्वी भाग है उसे कैमूर, बीच वाले भाग को भांडेर श्रेणी, बीच वाला भाग यानी वहीं पे आपको बता दिया मैंने, जैसे देखो ये गया है विंध्याचल पर्वत, ये यहाँ पे कैमूर है, ये कैमूर हो गया, यहाँ भांडेर है, ये याद रखना है विंध्याचल पर्वत। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाग कार्य करती है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, यमुना और सोन नदी के मध्य जल जल विभाजक कार्य करती है, तो कैमूर श्रेणी करती है फ्रेंड्स, याद रखना है इसका आंसर कैमूर श्रेणी होगा, कैमूर श्रेणी इसका जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर श्रेणी यमुना सोन बेसिन तथा भांडेर श्रेणी गंगा नर्मदा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैमूर श्रेणी जो है ये यमुना और सोन बेसिन के मध्य और भांडेर श्रेणी गंगा और नर्मदा बेसिन के मध्य जल विभाजक कार्य करती है। ये क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन को आपको 100% अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विध्य विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी क्रमशः ब्लेंक्स और ब्रिंग्स के से बनी हुई है, तो इसका आंसर सी सही है फ्रेंड्स, क्रमशः क्वार्ट्स रेत और ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनी हुई है, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी याद रखना है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत राज्य का सबसे ऊंचा चचई जलप्रपात स्थित है, चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये रीवा जिले में पड़ता है और बीहड़ नदी पर है, बीहड़ नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है, तो ये सब याद रखना है 130 मीटर है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत राज्य का सबसे ऊंचा चचई जलप्रपात, मैंने बता दिया रीवा में, तो रीवा पन्ना का पठार ऑप्शन में ही दिया हुआ है, डी आंसर सही। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला फैक्ट, अगला 79 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग को राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश माना जाता है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश मालवा का पठार है, मालवा का पठार 28% है पूरे मध्य प्रदेश का, और जिसका क्षेत्रफल अपन ने पढ़े थे, जिसका क्षेत्रफल कितना था, जिसका क्षेत्रफल 88222 यानी 88,222 वर्ग किलोमीटर, ये पहला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार पूछेगा मालवा का पठार। दूसरे की बात हुई है, यहाँ पे दूसरा पूछा है, दूसरा एक बात बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए, नर्मदा सोन घाटी दूसरा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नर्मदा सोन घाटी है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी स्थित है, जो मालवा के पठार के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के लगभग 26% भाग पर भूभाग पर विस्तृत है, मालवा का पठार 28 में था, ये 26% भाग पर विस्तृत है, जिसका विस्तार राज्य के 16 जिलों में है, अनूपपुर हो गया, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, होशंगाबाद, रायसेन, सीधी, हरदा, खंडवा, खरगोन, सीहोर, धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों में मिलता है, तो ये याद रखना है, दूसरे नंबर का पूछा है, तो दूसरे नंबर का नर्मदा सोन घाटी है, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है बोला है, तो नर्मदा सोन घाटी, ये नर्मदा सोन घाटी हो गई, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, तो ये ऊपर में विंध्याचल पर्वत है और नीचे में सतपुड़ा पर्वत है,
और उन दोनों के मध्य बहती है। तो याद रखना है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है, बी आंसर सही होएगा। कभी पूछ सकता है किन इन दोनों के बीच बहती है, याद रखना है, और किन दोनों को अलग करती पूछेगा, तो यही क्वेश्चन है। श्रेणियों के मध्य बहती है, बीच में बहती बोला है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के ऊपर। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कभी, कठिन रहते हैं लेकिन क्या पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरे नंबर का दूसरा आंसर इसका सही होगा 300 मीटर इसका आंसर सही होगा। MSL से 300 यानी समुद्र तल से 300 मीटर अधिक। तो याद रखना है नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर अधिक है। तो ये जो मैंने ऐसी ऊंचाई वाले क्वेश्चन बताए हैं उसको याद रखना है फ्रेंड्स आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है बोला है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है बोलता है, मैंने आपको बता दिया था नर्मदा सोन घाटी जो है वो मालवा का पठार और यहाँ क्या ऑप्शन दिया देखते हैं, मालवा का पठार और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित है, ये भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर पहला सही हो सकता है ना। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है, मालवा का पठार हो गया या नर्मदा सोन घाटी हो गई या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो गई, यहाँ से विंध्याचल गई है, तो ये दोनों ऑप्शन अगर हैं तो वो भी ठीक है। तो पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, मालवा का पठार और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा सोन घाटी से कौन सी नदी प्रभावित होती है बोला है। नर्मदा सोन घाटी से कौन सी नदी बहती है, प्रभावित होती है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, सक्कर नदी आके मिलती है नर्मदा में, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्कर। पार्वती नदी चंबल नदी में जाके मिलती है, टोम्स नदी ये बुंदेलखंड के पठार में बहती है, और सिंध नदी भी कहाँ बहती है, ये मालवा तरफ बहती है सिंध नदी, तो याद रखना है ना। तो टोम्स नदी, रीवा पन्ना के पठार, सिंध नदी में बह, तो ये समझ में आ गया होगा इसका आंसर सक्कर होएगा। आगे चलते हैं अगला, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश किस भाग में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बघेलखंड का पठार बोला है, तो इसका आंसर सही सही पूर्वी होना था, इसका आंसर सही सही पूर्वी पठार में स्थित है ना, यानी पूर्व में स्थित है, तो बघेलखंड का पठार पूर्व में स्थित है, लेकिन यहाँ पूर्व आंसर नहीं दिया है, तो अब उसके हिसाब से आंसर सोचना है। तो पूर्व कहीं दिख रहा है क्या, उत्तरी भाग में स्थित है करके लिखा है, तो पहला तो गलत हो सकता है, पहला गलत, दक्षिण में है कि गलत, पश्चिम में है कि गलत, ये सही होएगा सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से भी कई बार लगाना है फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ऑप्शन के हिसाब से सही रहते हैं। तो देखिए बघेलखंड के पठार के बारे में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। बघेलखंड का पठार दक्षिणी प्रायद्वीप पूर्वी भाग के रूप में मध्य प्रदेश में स्थित है, ये याद रखना है, बस इतना याद रखिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है, आ गया सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पठार का क्षेत्रफल 140,000 तो है, लेकिन ये टोटल है। बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में भी है ना, तो उसको भी गिना है इसने, लेकिन बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल है। 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल है, तथा यहाँ संपूर्ण मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है मात्र, इसलिए सबसे छोटा है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। तो ये क्रम भी याद रखना है आपको, कभी पठारों का क्रम पूछा जा सकता है, मैं आगे बताऊंगा। अभी अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग के अंतर्गत राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आता है। तो मैं आपको बता दूं, दूसरा पूछा है यहाँ पे, राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर कोयला क्षेत्र ये सोहागपुर शहडोल जिले में आता है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पूछा है दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तो वो है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के अंतर्गत राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सिंगरौली जिले में स्थित है, व्याख्या पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त शहडोल एवं उमरिया जिले के में सोहागपुर हो गया, कोरार, जोहिला कोयला क्षेत्र भी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था, 86वें नंबर का क्वेश्चन था, इसका आंसर डी होएगा, बघेलखंड का पठार। दूसरा बोला है ना, पहला मैंने आपको बता दिया सोहागपुर कोयला क्षेत्र, वो भी बघेलखंड में ही आता है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, लेकिन यहाँ पठार दिया है तो ऑप्शन ऐसा दिया है इसने, बघेलखंड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, लम्हेरा, लम्हेरा नहीं है, लम्हेटा है,
इसको जब इंग्लिश में देखो तो लम हेटा लिखा मिलता है नेट में, आप गूगल करेंगे तो लम हेटा घाट आ सकता है। लम हेटा घाट या लम हेटा हिल कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में है फ्रेंड्स। लम हेटा घाट नर्मदा नदी का एक घाट है, लम हेटा घाट ये जबलपुर में है। और लम हेटा घाट में ही जबलपुर में एक मदन महल का किला भी है, मदन महल का किला जो राजा मदन शाह ने बनवाया था, तो ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना है। व्याख्या देख लेते हैं, रायसेन में भीम बेटिका की गुफाएं हैं, तो ये आ सकता है, रायसेन में भीम बेटिका की गुफाएं। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। इंदौर में काकरी बर्डी की पहाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। धार में मांडू का किला है या मांडू की पहाड़ी भी है लिखा है, पाई जाती है, जबकि लम्हेटा हिल जबलपुर में है। रायसेन जिलों को पहाड़ियों की रानी के नाम पर जाना जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को बोलते हैं। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा पचमढ़ी। आगे चलते हैं, अब ये आ गया 88वें नंबर का क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची दी हुई है, पठार दिए हुए हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया सर्वाधिक सबसे बड़ा कौन सा है मध्य प्रदेश का पठार, मालवा का पठार 28%। तो देखो ये आ जाएगा 28 वाला। बुंदेलखंड का पठार देख लेते हैं, बुंदेलखंड का जो पठार है ये 7%, बुंदेलखंड का जो पठार है ये 7.79 है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी ये 11% है फ्रेंड्स। देखो यहीं चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं आपको, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, 308,245 वर्ग किलोमीटर है। और अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण इसका क्षेत्रफल कई जगह 3,08,252 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वही परीक्षा में आता है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, ये दोनों याद रखना है। अब बात करते हैं अपन, यहीं पे चलते हैं, तो जिसमें मालवा का पठार सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा मालवा का पठार 28%। उसके बाद दूसरे नंबर का कौन सा पूछा जा सकता है, नर्मदा सोन घाटी 26%। तीसरे नंबर का है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 11%। उसके बाद चौथे नंबर का रियो पन्ना का पठार 10.36%, प्रतिशत भी याद रखना है। मध्य भारत का पठार 10.7%। बघेलखंड का पठार ये बुंदेलखंड है फ्रेंड्स, बघेलखंड नहीं है, बुंदेलखंड का पठार 7.79%। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, बघेलखंड का पठार है 7%, याद रखना है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा पठार पूछा जाएगा तो मालवा का पठार, सबसे छोटा पूछा गया 7% वाला बघेलखंड है, बुंदेल नहीं है, बघेल है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से मध्य प्रदेश को अवस्थित सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए, बोला है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का अक्षांश और देशांतर विस्तार बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश का तो आपको डेली याद ही रहता है, और मध्य प्रदेश का तो याद ही रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश का तो पेपर में आएगा ही आएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसका बताओ उसका बताओ, तो आप किस किस का बताओ, तो इसलिए सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो भी पूछा जाता है आपको याद रखना है ना, तो जो भी पूछा जाएगा वो सब याद रखना है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश का याद रखना ही रखना है। मध्य प्रदेश का अगर याद है तो ये आप सही कर लोगे, काहे कि इनके अंतर्गत ही आएंगे। देखिए 21 डिग्री 6 मिनट, ये मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ मैं आपको, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है हमारा मध्य प्रदेश, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है इसने, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का बताना है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का होगा 21 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स, ऐसा पर्सनली किसी का नहीं पूछा जाता, लेकिन अब ये क्वेश्चन बन गया है तो आप देख सकते हैं, तो याद रखना है इसको पॉज करके पढ़ लेना, 11% है। 90 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं, दो बड़ी नदी, एक नर्मदा नदी होगी बड़ी नदी और एक
ताप्ती नदी हो गई, इन दोनों के बीच में है सतपुड़ा पर्वतमाला, तो ये आ जाएगा इसका आंसर सी सतपुड़ा। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी विभिन्न नदियों का स्रोत है, मैकाल श्रेणी विभिन्न नदियों का स्रोत है इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है, मैकाल श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, वाटर शेड के नाम से जाना जाता है मैकाल श्रेणी को, वाटर शेड क्यों जानते हैं, बहुत सारी नदियों का स्रोत है इसलिए वाटर शेड के नाम से जाना जाता है मैकाल श्रेणी को, मैकाल श्रेणी तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो जहां से आपको मैप के हिसाब से याद रखना है पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मैप में, देखिए बड़वानी में बड़वानी की पहाड़ी है जो राजपीपला का हिस्सा है, राजपीपला भी सतपुड़ा का पूर्व पश्चिमी भाग है तो बड़वानी तो रहेगा ही रहेगा, बुरहानपुर भी वहीं पर है बड़वानी बुरहानपुर, खरगोन भी वही एरिया, लेकिन धार नहीं है, धार याद रखना है ये विंध्याचल पर्वत में है, धार विंध्याचल पर्वत धार से शुरू होता है। देखो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के प्रमुख नगर छिंदवाड़ा हो गया, बुरहानपुर, खंडवा, सिवनी, बैतूल, मंडला, बालाघाट, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, ये सब आते हैं, जबकि धार विंध्याचल पर्वत से शुरू होकर विंध्य कगार तक जाता है, अर्थात धार जिला मालवा के पठार में आता है, मालवा के पठार के प्रमुख नगर इंदौर हो गया, भोपाल, उज्जैन, सागर, सीहोर, रतलाम, देवास, विदिशा, ये सब मालवा के प्रमुख नगर हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत 18 से 19 जिले आते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही थी सतपुड़ा के पठार की बात कर रहे थे अपन, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत नहीं है पूछा था, तो धार में नहीं है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस श्रेणी को नर्मदा नदी तथा दक्कन के पठार के मध्य जल भाजक माना जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, ऊपर में नर्मदा नदी बहती है, नीचे में दक्कन का पठार है, तो ये इसका आंसर सी होगा, व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। याद रखना सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है होशंगाबाद में, पचमढ़ी भी वहीं पे, सतपुड़ा श्रेणी मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली पर्वत के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य का उच्च प्रदेश भी कहते हैं उसको मध्य का उच्च प्रदेश भी बोलते हैं। मालवा का पठार ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो वो सही हो जाता, लेकिन मालवा का पठार ऑप्शन में नहीं है तो मध्य उच्च प्रदेश तो है, डी आंसर सही होगा। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियों का जल किस नदी में सम्मिलित हो जाता है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में बोला है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में तो नर्मदा नदी बहती है, तो आंसर इसका क्या होगा, नर्मदा नदी। समझ गए होंगे आप, अधिकांश नदियों का जो उत्तर की ओर जो भी नदी बही है वो नर्मदा नदी में जाएगी मिलेगी, समझ गए होंगे आप। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो मैंने बताया था उसका तीन भाग है, बीच वाला भाग को महादेव पर्वत, इधर साइड में जो है पश्चिम में उसे राजपीपला, और इधर पूरब में जो है कैमूर की पहाड़ी कहते हैं, तीन भागों में विभाजित किया गया है, बी आंसर सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में स्थित पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है, जबरदस्त क्वेश्चन है 97 नंबर का, क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित बोला है पश्चिमी भाग को, तो दक्षिण में पश्चिमी भाग दक्षिण में जो स्थित है वो निमाड़ क्षेत्र है फ्रेंड्स, निमाड़ क्षेत्र खंडवा और खरगोन वाले क्षेत्रों को कहा जाता है, खंडवा को पूर्वी निमाड़ और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है, यहाँ पे सर्वाधिक कपास की खेती होती है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है इस कारण, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, निमाड़ क्षेत्र या निमड़ी बोली बोली जाती है, याद रखना है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो पचमढ़ी याद रखना है महादेव पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन आ सकता है महादेव पहाड़ी पर स्थित है होशंगाबाद में, तो ये भी याद रख लेना है कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है एक, तो हिल स्टेशन पचमढ़ी है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है, और पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है, सतपुड़ा पर्वतमाला की रानी के नाम से भी जाना जाता है,
तो इसको यहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका आंसर महादेव पर्वत सही है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा के पूर्वी भाग में स्थित मैकाल श्रेणी किस नदी का ऊपरी बेसिन है? सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित मैकाल श्रेणी, पूर्वी भाग में मैकाल श्रेणी है, किस नदी का ऊपरी बेसिन है? क्वेश्चन एक नंबर है, नर्मदा का है, मैकाल श्रेणी के ऊपर नर्मदा नदी बही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में बता दूं मैं आपको, जानकारी के लिए, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है और इसकी टोटल लंबाई है 12-13 किलोमीटर, सॉरी 13-12 है, 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। वैन गंगा के बारे में बता दूं, वैन गंगा नदी जो है ये सिवनी के पठार से निकलती है, सिवनी जिला बालाघाट के पास जो सिवनी जिला है, सिवनी के पठार से निकलती है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, दक्षिण की ओर महाराष्ट्र में जाती है ये, और महाराष्ट्र में वर्धा नदी से जाके मिल जाती है, और वर्धा नदी से जाके मिल जाती है, और वर्धा नदी से जब ये मिलती है तो जो संगम स्थल है वो प्राणहिता कहलाता है, प्राणहिता कहलाता है। और आगे जाके वर्धा नदी, वर्धा नदी में जाके मिलती है, आगे जाके वर्धा नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है, तो ये याद रखना है, गंगा नदी कहाँ मिलती है? गोदावरी नदी में, पहले वर्धा में मिलती है फिर गोदावरी मिल जाती है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, ढूटी बांध इसी नदी पर बना हुआ है, जो बालाघाट में ढूटी बांध है वैनगंगा नदी पर बना हुआ है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। महानदी की बात कर लेते हैं, महानदी अपने आप बहती नहीं, उड़ीसा की नदी है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी निकली है? तो महादेव पर्वत से निकली है भैया तवा नदी, तवा नदी, तवा डैम भी होशंगाबाद में, तवा नदी बहती होशंगाबाद में, महादेव पर्वत की, महादेव पर्वत जो है हिल स्टेशन पचमढ़ी वो भी होशंगाबाद में, तो तवा डैम भी है वहीं पर, याद रखना है। अरे तवा बांध मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, और तवा नदी पुल भी है एक, नहीं, सबसे लंबा बांध नहीं है, सॉरी गलत हो गया, तवा नदी पुल, एक पुल है तवा नदी पुल, तवा नदी पे एक पुल बना हुआ है, तवा नदी पुल मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है, बांध गलत हो गया, बांध भी वहीं पे है, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं, व्याख्या पढ़ सकते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन रह गया? उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 101वें नंबर का क्वेश्चन है ये, 101वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सूची दी हुई है दो, और आपको बताना है सिर्फ कौन सा सही है करके। तो देखिए बहुत आसान है, धूपगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? नहीं, ये ऊंचाई दे दिया, यहाँ पे ऊंचाई परीक्षा में आ सकती है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी है, ये पचमढ़ी में स्थित है महादेव पर्वत पर, और ये 1350 मीटर जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। बड़वानी की पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? ये बड़वानीच में है, याद रखना है, बड़वानी की पहाड़ी, अरे बड़वानी की पहाड़ी राज्य पीपला का हिस्सा है, ये भी याद रखें। उसके बाद बात करूं मैं बीजलगढ़ की पहाड़ी, ये भी कहाँ पे मिलेगा आपको? बड़वानी में, और ये बीजलगढ़ की पहाड़ी भी राज पीपला का हिस्सा है, याद रखना है। कालीभीत की पहाड़ी ये बैतूल में है कालीभीत की पहाड़ी, लेकिन बात यहाँ क्या हो रही है? ऊंचाई की, यहाँ बात हो रही है ऊंचाई की। तो देखिए आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा वाक्य। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर है ना, जबकि चौरागढ़ पहाड़ी 1326 मीटर है। चौरागढ़ की भी पहाड़ी है एक, याद रखना है, चौरागढ़ की भी एक पहाड़ी है, चोटी है चौरागढ़ की पहाड़ी, तो ये भी याद रखना है, चौरागढ़ की पहाड़ी मिलेगी आपको ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद है महादेव पहाड़ी पचमढ़ी में, इसकी ऊंचाई इतनी है। कालीभीत की पहाड़ी बैतूल में बता दिया। बीजलगढ़ की पहाड़ी ये कहाँ पर है? ये बड़वानी तरफ है, बड़वानी में है, और ये भी राजपीपला का हिस्सा है। बड़वानी की पहाड़ी राजपीपला का हिस्सा है। राजपीपला का हिस्सा, इसका मतलब क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही तो हिस्सा है वो भी, ये याद रखना है। तो समझ में आ गया होगा आपको, तो ऊंचाई आप याद रख सकते हैं, इनकी आ सकती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है होशंगाबाद में, जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी भी वहीं पे होशंगाबाद में।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी के समीप सतपुड़ा पर्वत मैकाल के अंतर्गत महादेव पहाड़ी में राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी के अतिरिक्त राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो याद रखना है, मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। तो देखिए, अमरकंटक दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, है ना, ये याद रखना है। उसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 103वें नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। 103वें नंबर का क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। सबसे बड़ा पठार मैंने बता दिया, मालवा का पठार है। सबसे बड़ा पठार बताया ना, मालवा का पठार है। जिसका क्षेत्रफल कितना है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, जिसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, तो सबसे बड़ा है। बात करते हैं इसके बाद दूसरा कौन सा है, तो याद रखना है दूसरे नंबर में कौन सा है, दूसरे नंबर में नर्मदा सोन घाटी है जो 86,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का कितना है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का कितना है, 34,000 वर्ग किलोमीटर। और रीवा पन्ना के पठार का 31,954 वर्ग किलोमीटर। तो ये देखो, ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल में मालवा का पठार है, मालवा का पठार सर्वाधिक क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल याद रखना है फ्रेंड्स, आ सकता है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जबकि नर्मदा सोन घाटी दूसरे नंबर में 86 यानी 86,000 वर्ग किलोमीटर। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 34,000 वर्ग किलोमीटर, रीवा पन्ना का पठार 31,954 वर्ग किलोमीटर, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार साथ में दे दिया है, बघेलखंड का पठार सबसे छोटा है, सबसे कम है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 25,000 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा पठार मध्य प्रदेश का पूछेगा बघेलखंड का पठार। ये देखो, ये मैप दिया हुआ है, ऐसा है पूरा पठार ये। इसको अपने जिले के हिसाब से और मैप के हिसाब से याद रखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, सब बनेगा। ये है फ्रेंड्स मालवा का पठार। मालवा का पठार 28% भाग पे है, देखो ये लिखा हुआ है 28% मालवा का पठार। इसका क्षेत्रफल भी लिखा है 88,222 वर्ग किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी। तो ये आपको समझ में आ गया। मालवा के पठार की बात करते हैं, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पठार नर्मदा सोन घाटी की। ये नर्मदा सोन घाटी 26% भाग पर है। ये नर्मदा घाटी 86 यानी 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये याद रखना है, दूसरे नंबर का है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे नंबर का सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये है पूरा, देखो ये है पूरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ऐसा गई है सतपुड़ा। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है पचमढ़ी में। ये 11% भाग पर है मध्य प्रदेश के, 11% भाग पर है मध्य प्रदेश के। 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं, तीन हो गए, तीन के बाद चौथे नंबर का रीवा पन्ना का पठार है, 10.37% है, 31,954 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर है रीवा पन्ना का पठार, तो दिशा के हिसाब से भी याद रखना है। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व उत्तर, ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको दिशा के हिसाब से याद रख लेना है। तीसरे नंबर का हो गया रीवा पन्ना, तीसरा हो गया, चौथा हो गया रीवा पन्ना। पांचवा चलते हैं, पांचवा मध्य भारत का पठार, देखो यहाँ पर है मध्य भारत का पठार, यहाँ पर है मध्य भारत का पठार, जो 10.68% है मध्य प्रदेश का। प्रतिशत कितना प्रतिशत में है, और 32,896 वर्ग किलोमीटर है। तो ये मध्य भारत का पठार। और दतिया, देखो यहीं पे ऊपर में दतिया है, तो दतिया बुंदेलखंड के पठार में आता है, याद रखना है। और यहाँ से सागर एक जिला ऐसा है जो इधर साइड चल जाएगा, तो सागर के बाद बुंदेलखंड का पठार चालू हो जाता है। तो बुंदेलखंड का पठार ये है जो 7.7% है मध्य प्रदेश का, 23,733 वर्ग किलोमीटर है बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार भी हो गया इधर से। अब बात करते हैं सातवें नंबर का पठार और आखिरी पठार, बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। 25,000 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है, मात्र 7% है। तो ये इतने तरीके से बांटा गया है, दिशा के हिसाब से याद रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन बने बनेगा, जैसे कभी पूछ सकता है इनमें से कौन सा जिला मालवा के पठार में नहीं आता, तो इधर का ऑप्शन देगा इस टाइप का। तो ये था हमारा लेक्चर फ्रेंड्स, जिसमें हमने मेगरा हिल की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे और आप हम कमेंट करें, जिससे आने वाले समय में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा चैप्टर हो चुका है, ऐसे ही एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा एक वीडियो में। धन्यवाद।